मीटिंग कोड सांगाल का? माझा मोबाईल बंद झाला का? मीटिंग कोड सांगाल बरं, माझा मोबाईल ॲक्च्युली बंद झाला. सर खाली माझ्या बॅगमध्ये हिमांशी त्या बॅगमध्ये बरं त्या बॅगमधून घेतो हेडफोन माईक माईक तिकडे असेल किंवा पुढच्या चेंबर काळ्या कलरचे बसा बसा काय वाचलं होतं आपण छोला छोल झाला होतो आणि हे छोला वाचलं होतं बाकी आधीचे झालेच होते दिल्ली सल्तनत वाचायचं ओके सो चोला पढ़ा था दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे दिल्ली सल हाँ चोला चोला नाम के बाद कौन कौन सा दिला गया ते तर होऊन जाईल अजून त्यानंतरचं चॅप्टर चला नॅशनल अँथम करून घ्या एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ठीक नायक जय हे भारत भाग्य निगाजाब सिंह रात मराठा हिमाचल उच्चल जल दिशुनामे जागे आशिष मागे गाए तव जय गाना जय गण मंगल जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय
करिश्मा ने ये कुछ टॉपिक भेजे थे, उसमें कौन कौन से लिखा था? चोला के में लिखे है क्या कुछ? चोला पांड्या नहीं, ये तो हो गए। और दिल्ली सल्तनत है क्या डायरेक्ट? दूसरा है राजपूत, राजपूत। ओके, सो सबसे पहले राजपूत को पढ़ेंगे। राजपूत जो है इनका इतिहास बहुत अलग रहा है और नाम से ही पता चलता है आपको, नाम से राजपूत यानी राजपुत्र, इस तरह से ये लोग हैं। तो राजपूत लोग कौन थे, क्या नहीं, ये पूरा हमें आज पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है? तो राजपूत को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की जो टॉपिक्स होते हैं उसे स्टडी करेंगे। सो जैसे आपके इसमें दिया हुआ, आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में दिए हुए के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जो राजपूत लोग हैं उसमें एनसीईआरटी है, एक मिनट एनसीईआरटी देखें। तो देखिए आपके जो इसमें एनसीईआरटी में दिया है एज ऑफ राजपूत, उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ कुछ चीजें। एनसीईआरटी से को पढ़ने से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की चीजें पढ़ेंगे। राजपूत स्टेट्स, a rise of new section called Rajputs and the controversy have about their origin have already been mentioned. हमें ये पता नहीं है कि ये राजपूत कहाँ के थे, इसके ऊपर आज भी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है। ये लोग आए कहाँ से थे ये पता नहीं, इंडिया के ही थे कि फॉरेन से आए थे, कोई इन्वेडर थे, क्या थे क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि राजपूत नाम के कुछ लोग थे और प्रतिहार एम्पायर जो था ये टूटा। सबसे पहले प्रतिहार एम्पायर मैंने आपको बताया था, याद आ रहा? प्रतिहार एम्पायर, गुर्जर प्रतिहार, तीन लोगों का मैंने आपको बताया था, एक था पालास, एक था प्रतिहार और एक था राष्ट्रकूट, है ना? राष्ट्रकूटास, प्रतिहार और पालास, ऐसे तीन थे। राष्ट्रकूटास डेक्कन पार्ट में थे, प्रतिहार जो है गुजरात साइड के पार्ट में थे और बंगाल साइड के पार्ट में पालास थे। ये हमने तीन चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है? पालास और राष्ट्रकूटास के बारे में ये तीन चीजें हमने पढ़ी हुई थी। तो पालास, राष्ट्रकूटास और ये। अब इसमें आगे क्या होता है कि ये जो राष्ट्रकूट थे, ये जो राजपूत थे, ये आए कहाँ से थे ये हमें पता नहीं है, बट उसके बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत है और सब चीजें अलग अलग बताती है कि राजपूत यहाँ से आए वहां से आए, बट फिर भी किसी को फिक्स नहीं पता कि वो एग्जैक्टली आए कहाँ से थे। अब जब ये हमें पता नहीं कि आए कहाँ से थे तो इस पर बहस करना भी बुरी बहस करके कोई मतलब है नहीं, और दूसरी बात यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगी नहीं कि राजपूत लोग आए कहाँ से थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग कहाँ से थे। सब राजपूत अलग अलग बताते अपने ओरिजिन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रतिहार था उनका एम्पायर टूटा, जब प्रतिहार का एम्पायर टूटा तो उसके बाद ये राजपूत आगे आने लगे, और राजपूत ये जो प्रतिहार का एम्पायर टूटा ये अलग अलग टुकड़ों में टूटा, और टुकड़ों में टूटने के बाद, टुकड़ों में बंटने के बाद जो प्रतिहार थे ये धीरे धीरे आगे आने लगे, ये हमें पता है। ये राजपूत जो थे वो धीरे धीरे आगे आने लगे, जैसे कि हमें पता चला यहाँ पे। The most important of these were Gadwal of Kannauj and Parmar of Malwa and Chauhan of Ajmer. तीन जगह से तीन पता चल रहे। सबसे important राजपूत में सबसे पहले आपको पता चलते हैं गढ़वाल। गढ़वाल जो है ये कहाँ के थे, जैसे जयचंद गढ़वाल और ये सब नाम कभी आपने सुना है? हाँ, गढ़वाल, जो गढ़वाल थे ये कहाँ के थे? ये थे कन्नौज के, कन्नौज के गढ़वाल। दूसरी बात, जो दूसरे आते हैं वो है परमार। परमार नाम तो सुना ही होगा, है ना? सरनेम ही होते हैं परमार। परमार, परमार जो ये मालवा के, मध्य प्रदेश और ये सब साइड पे परमार। और तीसरे चौहान, तीसरे राजपूत चौहान, चौहान जो होता है ये अजमेर के। ऐसे तीन राजपूत देखने मिलते हैं आपको, ठीक है? गढ़वाल, परमार और चौहान। अब देखिए आगे और बताता हूँ, और भी छोटे छोटे डायनेस्टीज है, जैसे कि हम कहेंगे कालचुरी, कालचुरी नाम के राजपूत, ये सब मेजर हो गए बड़े। इनके अलावा और छोटे मोटे जैसे कालचुरी,
कालचुरी जो होते हैं, ये कालचुरी लोगों की अगर बात करें तो ये आते हैं जबलपुर। जबलपुर पता है आपको, मध्य प्रदेश का जबलपुर, उस एरिया के आसपास के, ये राजपूत कालचुरी। उसके अलावा और राजपूतों की बात की जाए तो हम कहेंगे चंडेला। चंडेला जो ये बुंदेलखंड के, चंडेला बुंदेलखंड, अलग अलग जगह से अलग अलग आए हैं, बुंदेलखंड के चंडेला। इनके अलावा और भी राजपूत की बात करें तो चालुक्य गुजरात के, चालुक्य गुजरात, तोमर दिल्ली, दिल्ली के तोमर, अलग अलग राजपूत। ऐसा ये रहा है, ठीक है। तो राजपूत देखो अलग अलग जगह फैले हैं और सबके नाम अलग। गढ़वाल कन्नौज के, परमार मालवा के, चौहान अजमेर के, कालचुरी जबलपुर के, चंडेला बुंदेलखंड के, चालुक्य गुजरात के और तोमर दिल्ली के। ऐसे इतने सारे राजपूत आपको देखने मिलते हैं। अब आगे आपको और भी चीजें बताता हूँ कि ये लोग आए कहाँ से थे ये तो पता नहीं, बट कुछ उनके बारे में जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है वही बताता हूँ। द बेसिस ऑफ राजपूत सोसाइटी वॉज अ क्लैन, एवरी क्लैन ट्रेस्ड इट्स डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, रियल और इमेजिनरी। अब सोचिए कि हर राजपूत की ये कहानी है, हर राजपूत समाज का व्यक्ति ये कहता है कि हम सब एक क्लैन थे, हम सब एक कबीला जैसा हम कहेंगे उस तरह के हम रहे हैं, हमारा वंश रहा है और हमारा जो वंश है उसके हमारे सबके कोई वंशज रहे। वो सबका कहना है कि कॉमन वंशज थे, वही से हम सब निकले हुए हैं राजपूत। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास कुछ यूनिट हुआ करते थे, जैसे एक राजपूत के पास 12 से 24 गांव या 48 या फिर हो सकता है 84 गांव, इतने सारे गांव वो संभालता था, वो चीफ रहा करता था और उसी चीफ के से निकले हुए ये राजपूत लोग थे। एक एक चीफ को दे दिए फॉर एग्जांपल 80 गांव संभालने, 48 गांव संभालने, 24 गांव संभालने, 12 गांव संभालने, तो उसी से निकले ये राजपूत, क्योंकि राजा के बेटे ऐसा वो लोग कहते थे। Each Rajput state was supposed to be ruled by the ruler in conjunction with his chief, who were generally his blood brother. तो अलग अलग इस पे अलग अलग लोग रहते हैं। अब ये लोग कहाँ से आए, इसकी कहानी यहाँ पे दी है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, बट बहुत सारे जगह नहीं दी है। हाँ, एक चीज़ है, एक बहुत अच्छी बात आपके इसमें कही गई है राजपूत के बारे में, कि जो राजपूत थे, ठीक है, ये अलग चैप्टर्स में दिए हैं। हाँ, कुछ कुछ बुक्स में उधर दिया है, कुछ में इधर दिया है, ठीक है। तो राजपूत स्टेट जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, मैं फिर भी देख रहा हूँ। और किसी का एनसीईआरटी है क्या? एक बहुत अच्छी बात, राजपूत ट्रीटेड वॉर एज अ स्पोर्ट। राजपूत के लिए वॉर एक स्पोर्ट्स की तरह रहता था, उनके लिए खेल है वॉर। दिस एंड स्ट्रगल फॉर लैंड एंड कैटल लेड टू कंटिन्यूस वॉरफेयर, और हमेशा आजू बाजू वाले साथ उनका लड़ाइयाँ होती रहती। द आइडियल रूलर वॉज वन हु लेड आउट हिज आर्मी आफ्टर सेलिब्रेटिंग द दशहरा फेस्टिवल टू इन्वेड द टेरिटरीज ऑफ नेबर। द पीपल बोथ इन विलेजेस एंड द सिटी suffered the most from the policy. अब देखो यहाँ पे लिखा कितनी अच्छी बात है कि ये लोग क्या करते थे, दशहरे के बाद निकलते थे और दशहरे के बाद जो आजू बाजू वाले को मारने के लिए निकलते थे राजपूत लोग, तब ये देखा गया कि जो राजा जीत के आता था वो सबसे महान राजा कहलाता दशहरे के बाद। अभी जैसा दशहरा आ रहा तो फिर हथियारों को पूजा करते हैं ना दशहरे में, बस एक बार पूजा हुई फिर लेके निकले और फिर अटैक शुरू और आजू बाजू वाले पे अटैक करके जीतते थे। अब देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स ऑफ द टाइम वर चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म, दो सम ऑफ देम आल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म। ज्यादातर राजपूत ये हिंदुइज्म को ही फॉलो करते थे, बट उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो जैनिज्म के भी फॉलोअर निकले। दे गिव रिच डोनेशन टू ब्राह्मण, ब्राह्मण को बहुत डोनेशन दिए गए। राजपूत रूलर्स जो होते हैं वो हमेशा ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करते रहे, कास्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करते रहे।
इसीलिए ये लोग ऐसा भी कहा जाता है कि ब्राह्मण लोगों से बहुत कम लैंड रेवेन्यू लेते थे। और आपको ये भी बताता हूँ कि ब्राह्मण सर प्रिपेयर टू रिकॉग्नाइज, और ब्राह्मण ने ये बोला था कि जो राजपूत होते हैं वो उनके सूर्य वंश देखो या चंद्र वंश देखो वो क्षत्रिय हैं, विच वर बिलीव टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और यही कहा जाता है कि वो क्षत्रिय में आते। पता किसी को नहीं है कि राजपूत ये आते कहाँ हैं, कायमे और आए कहाँ से हैं, बट ब्राह्मण लोगों को ऐसा कहा जाता है। इन लोगों ने सपोर्ट दिखाया था इसलिए ब्राह्मण लोगों ने भी एक्सेप्ट किया था कि ये लोग क्षत्रिय में ही आते। क्षत्रिय में जब ये लोगों को डाल दिया तो ये लोग रूल कर सकते, क्योंकि रूलर हमेशा क्षत्रिय ही लगता था, क्षत्रिय जो रहेगा वही रूल कर सकता था। यज्ञ और इसकी इसकी उनकी बहुत सारी कहानी है कि वो आए कहाँ से, बट हमें ये कन्फर्म नहीं है इसलिए हमें ये पढ़ना भी नहीं है कि यानी इस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ से है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली। अब आते हैं यहाँ पे राजपूत में, राजपूत रूलर्स एंड स्टेट्स आज का हमारा लेक्चर है। एट द एंड ऑफ लाइफ वी आर गोइंग टू आस्क, हमारी जब जिंदगी खत्म होंगी तो हम दो ही सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, डिड आई लिव, क्या मैंने जिंदगी जी ली। दूसरा सवाल, डिड आई लव, क्या मैंने लोगों को प्यार दिया या सिर्फ नफरत दी, है ना। ये दो सवाल आप पूछोगे तो अभी मरते वक्त पूछने से अच्छा अभी पूछ लो, क्योंकि जिंदगी शुरू है, जीना शुरू कर दो। दूसरों को नफरत करने से अच्छा प्यार करो सबके साथ, प्रेम से रहो, और दूसरी बात है कि आप जिंदगी जी रहे कि नहीं ये भी एक बार सोचो। अगर ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी नहीं जी रहे हो अपनी, तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले एक्सपांशन बढ़ने लगा। एक्सपांशनिस्ट टर्क ट्राइबमैन थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, हुज मेन मोड ऑफ वॉरफेयर वॉज रैपिड एडवांस एंड रिट्रीट। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहार इन नॉर्थ वेस्ट लेड टू अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब देखो क्या होता है, हाँ अच्छे से समझना। इंडिया, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन, ये नॉर्थ वेस्ट का फॉर एग्जांपल ऐसा पकड़ लो, जो भी आएगा ऐसा यहाँ का जो पोर्शन रहेगा ना वो नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन, इधर का ये जो पोर्शन है इस पर कंटिन्यू अटैक चलते थे, और यहाँ पे प्रतिहार थे। मैंने आपको बताया प्रतिहार का जो रूल था ऐसा फैला हुआ था, जो प्रतिहार थे इन पे कंटिन्यू अटैक होते थे, और टर्क जो लोग थे वो इन पे अटैक करते थे, टर्की के लोग। करते करते क्या हुआ कि ये डिसइंटीग्रेट हो गई, टूट गए, और टूट के छोटे छोटे किंगडम्स बन गए जिसको कहा जाता है राजपूत। राजपूत लोग रूल करने लगे। अब ऐसे ही राजपूत के रूलर्स को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। राजपूत के सबसे पहले रूलर और जाने माने जो रूलर है वो आपको दिख रहे हैं नीचे, नाम बताएंगे, महाराणा प्रताप, ये है वो। पृथ्वीराज चौहान से शुरुआत करेंगे। पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी जिससे उन्होंने शादी की थी वो भी एक राजा की बेटी थी संयोगिता करके, और उनके फादर को ये पसंद नहीं था लड़की के कि मेरा मेरी बेटी इससे शादी करे, इसलिए उन दोनों के बीच में जमती नहीं थी। ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब मोहम्मद घोरी ने अटैक किया था उस टाइम पे, ये जो जयचंद गढ़वाल है यानी इनके जो ससुर जी है ना, ये घोरी के तरफ से था, और बाद में घोरी ने इनको भी मारा था। बहुत खतरनाक खतरनाक कहानी आने वाली है आगे, जब घोरीड लोग देखने मिलेंगे तो वेरी डेंजरस। अभी आप देखोगे, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास शुरू होता है, एंड यू विल ऑफ कोर्स एंजॉय दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जहाँ लड़ाइयाँ शुरू होती है वहाँ पे आप जिंदगी को यानी लेक्चर्स को एंजॉय करते हो, तब आप एंजॉय है ना, लड़ाइयाँ पसंद है ना, हिस्ट्री पढ़ रहे तो लड़ाइयाँ, भले ही जिंदगी पसंद ना रहे या रहे, बट हमें हिस्ट्री में तो लड़ाइयाँ पसंद है। पृथ्वीराज चौहान जिनका जन्म 1166 में हुआ था, मोस्ट एक्सेप्टेड यही डेट है, कहीं कहीं पे 1178 भी लिखा जाता है, 1166 में कहा जाता है इनका जन्म हुआ था, 1192 तक ये जिंदा थे, यहां से उन्होंने रूल शुरू किया था, इसलिए यहां 78 लिखा हुआ है, ठीक है। रूल करना उन्होंने 78 से शुरू किया था, एकदम पैदा होते बराबर नहीं, फिर भी काफी कम एज में, पकड़ लो कम एज में ही गए वो।
कितने साल रहे पृथ्वीराज चौहान? 30 साल भी नहीं ना। कितने होते हैं 1166 से 92? 26, 28। कितने ईयर्स रहे? कितना होता है बताओ? 1166 माइनस 1192 ना, 26। 26 साल की जिंदगी थी, बताओ। 26 साल में बहुत कुछ करके गए ना फिर भी पृथ्वीराज चौहान। जब उनको थ्रोन पे आए तो माइनर थे पृथ्वीराज चौहान। कितने साल के थे जब थ्रोन पे आए? तो 11-12 साल के थे जब उन्होंने अपना सिंहासन संभाला। पृथ्वीराज चौहान जब सिंहासन पे आए तो 11-12 साल के थे। दूसरी बात आपको ये भी बताता हूँ कि वो बहुत एजुकेटेड भी व्यक्ति थे, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इतना ही नहीं तो उनकी डेथ की भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आपको सुनने मिलती हैं, बट इनके बारे में अलग अलग चीज़ें भी आपको बताऊँगा क्या क्या थी। पृथ्वीराज चौहान कहाँ पर रूल करते थे? पृथ्वीराज चौहान रूल्ड ओवर दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा पे रूल करते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने दो लड़ाइयाँ लड़ी, एक है बैटल ऑफ तराई और दूसरी भी है बैटल ऑफ तराई। बैटल ऑफ तराई जो 1191 में लड़ी थी मोहम्मद घोरी के अकॉर्डिंग, मोहम्मद घोरी के वर्सेस, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पहली लड़ाई बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ तराई की फर्स्ट लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जीत और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार। पृथ्वीराज चौहान को हार हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है, मोहम्मद घोरी उन्हें मार देता है। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ क्या नहीं ये चीजें बताना तो बहुत मुश्किल है। डेथ के पीछे बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है, मैं आपको कॉन्ट्रोवर्सीज जब बताऊंगा तो वो भी आपको समझ के मजा आएगा पृथ्वीराज चौहान की कॉन्ट्रोवर्सी। पृथ्वीराज चौहान के हार के बाद दिल्ली जो होता है, ये दिल्ली किसके हाथ लगा? घोरी के हाथ लगा। और दिल्ली को घोरी ने अपने गुलाम के हाथ में दिया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहां से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक से। सबसे पहले दिल्ली पे राज करते थे पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद घोरी इंटरेस्टेड दिस पोजीशन अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक हु लेटर फाउंड द स्लेव डायनेस्टी एंड लेड टू द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। लड़ाई काफी खतरनाक थी बैटल ऑफ तराई, पहली बैटल ऑफ तराई ऐसा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बड़ी भूल की कि उन्होंने मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया। मोहम्मद घोरी बहुत पागल हो चुका था, मोहम्मद घोरी को बिल्कुल बेकार लग रहा था। आपको बताता हूँ मोहम्मद घोरी की कहानी। जब मोहम्मद घोरी ने ये सोचा कि मैं दिल्ली पे अटैक करूंगा तो सब लोगों के मुंह से इनका नाम बहुत सुना हुआ था पृथ्वीराज चौहान का कि बहुत स्ट्रांग रूलर है। मोहम्मद घोरी ने अपने आप को बहुत प्रिपेयर किया और उसने दिल्ली पे अटैक किया। जब उसने दिल्ली पे अटैक किया बैटल ऑफ तराई को लेके, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया। हराने के बाद ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने हराने के बाद उसे छोड़ना नहीं था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो वापिस गया। वापिस जाने के बाद उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसका बहुत नाम खराब हो गया था अपनी जगह कि हार के आ गया। ये क्या बोले, कहा गया था, बोले इंडिया गया था, क्या करके आया, पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करके आया, जीता कि हारा, बोले हार गया सब ऐसा ऐसा, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो भाई साहब ने एक साल बहुत मेहनत की, क्या किया उसको उसका पता, बहुत ही बड़े बड़े मेहनत की, स्ट्रैटेजी बनाई, अच्छे गेम प्लान्स किए, बहुत कुछ किया, और आखिरकार अगले ही साल इंडिया पे वापिस से अटैक। ये थी सेकेंड बैटल ऑफ तराई। इस अटैक में उसने आखिर जो जंग हारी थी वो जंग को जीता, उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो सलाख होती है ना, उस दोनों आंख में डाल दी थी पृथ्वीराज चौहान के, ले अंधा कर दिया था इनको, चलो अब। और अब पकड़ के ले गए थे उधर। कुछ इतिहासकार, इनकी डेथ अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट जो सलाख होती है ना, दोनों आंख में डाल के खींच के ले गया था अपने राज्य में और लोगों को दिखाया था यही है वो जिसने मेरे को हराया था, देखो इसके क्या हाल है। बंदी बना के रखा था पृथ्वीराज चौहान।
कुछ लोग ऐसे कहते हैं, एक इतिहासकारों का ग्रुप है वो कहते हैं कि यहीं पे मार के छोड़ के चले गए, कुछ कहते वहां लेके गए और लोगों के सामने मारा, उससे दिखता है कि घोरी कितना पावरफुल। घोरी फिर किसी को गिनता नहीं था, घोरी ने दूसरा अटैक वापस किया इनके ससुर जी पे, ससुर जी को भी साफ कर दिया था। ससुर जी ने सपोर्ट किया था घोरी को, पृथ्वीराज चौहान की शादी उनके ससुर को पसंद नहीं आई सहयोगिता के साथ, उन्होंने बोला मेरी बेटी तेरे से शादी नहीं करेगी, और इन्होंने तो भी शादी की, दोनों का लव मैरिज था। थोड़ी साउथ की कहानी, साउथ में होता है ना लव मैरिज कर लिया, बोले फिर ससुर जी पीछे लगे हैं, फिर ये हो रहा वो हो रहा। बहुत कम एज 26 साल है ना, देख इमेजिन वैसे होता नहीं ना, पृथ्वीराज चौहान की जो अपन फोटोज देखते उससे ऐसा लगता नहीं ना कि बहुत यंग एज में गए, 26 है ना बहुत कम हो गई। पृथ्वीराज चौहान महान रूलर, इनके बाद अगले रूलर जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल कौन? उनके ससुर जी। जयचंद गढ़वाल की बात बताता हूं, इनको राठौड़ भी कहा जाता है, जयचंद राठौड़ या जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल जो है गढ़वाल वंश के थे, गढ़वाल वंश वाले मैंने बताया कहाँ के होते, गढ़वाल वाले हाँ कन्नौज के होते। जयचंद देखो मोहम्मद घोरी खतरनाक व्यक्ति, 1191 पहली बैटल ऑफ तराई हार गया, 1192 दूसरी बैटल ऑफ तराई जीत गया, 1194 बैटल ऑफ चंदावर जीता, मार डाला जयचंद गढ़वाल को। ससुर जी थे बट आसपास मरे दोनों, आसपास पृथ्वीराज चौहान 1192 में गए और जयचंद गढ़वाल 1194 में गए, है ना समझ रहे दोनों चीजें ऐसा है। लिंक बनाती थी सहयोगिता जो इनकी बेटी थी और पृथ्वीराज चौहान की वाइफ, ऐसा है पृथ्वीराज चौहान की वाइफ। मोहम्मद घोरी रुकता नहीं था, मोहम्मद घोरी ने जो शुरू किया था पूरा एक एक को हरा ही डालता था। मोहम्मद घोरी को पहले सपोर्ट किया इन्होंने, फिर हो गया काम भर। आपको बताता हूँ कहानी आपके किताब के अकॉर्डिंग इसमें दी होगी। हाँ गजनवीर पर पढ़ाते बताऊंगा आपको इनकी कहानी, आगे आएंगे। फिर आते हैं राणा खुम्बा। राणा खुम्बा जो है ये बहुत बात किया, देखो ये लोग 1100 वाले हैं, ये 1400 वाले हैं। राणा खुम्बा मेवाड़ के रूलर थे, मेवाड़ राजस्थान में आता है, मेवाड़ के रूलर राणा खुम्बा जो होते हैं इनको मोहम्मद खिलजी ने हराया था। मोहम्मद खिलजी ने इनको हराया एंड इरेक्टेड द टॉवर विजय स्तंभ, एक विजय स्तंभ नाम का टॉवर बनाया एट चित्तौड़ पता है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे राजस्थान में आता है चित्तौड़ का। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ भी बनाया जिसको कहा जाता है टॉवर ऑफ विक्ट्री, क्योंकि राणा खुम्बा ने मोहम्मद खिलजी को हराया। ये मोहम्मद खिलजी यानी खिलजी वंश वाला नहीं है, ये एक लोकल रूलर है, यानी एकदम खिलजी वंश वाला रूलर नहीं, थोड़ा अलग रूलर है, बताऊंगा आगे। His successor including राणा संगा एंड राणा प्रताप, इनके बाद आए राणा खुम्बा राणा संगा राणा प्रताप, ये सब इन्हीं के वंशज थे। आगे राणा खुम्बा के बाद महाराणा संगा, इसको किसने हराया? बाबर। 1508 से 1528 तक रूल किया महाराणा संगा ने। राणा संगा जो है ये मेवाड़ का था, ये सिसोडिया लोग थे। राणा प्रताप, राणा खुम्बा, राणा संगा, सिसोडिया राजपूत,
जो सिसोदिया लोग थे इनको, ये कंटेम्प्ररी थे इब्राहिम लोधी और बाबर के। इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई हुई 1526 में, जिसको कहा जाता है पहले पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। आफ्टर दैट अकबर फॉट अनदर बैटल इन नेक्स्ट ईयर, इन हम कहेंगे वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 1527, एंड दैट वॉट बैटल वॉज नोन एज द बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में हार हुई किसकी? राणा संगा की। और बाबर के हाथ में इनका भी रीजन मिल गया। बाबर ने अपना रीजन बढ़ाया था 1527, बाबर की लड़ाई 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 तीस में बाबर की डेथ। कंटिन्यू लड़ाई लड़ा बाबर और तीन चारों लड़ाई जीता था। पहली तो पहली बैटल ऑफ पानीपत वो तो जीत ही गया था, दूसरी ये आपको देखने मिलते बैटल ऑफ खानवा, और आगे आगे और लड़ाई पता चली। 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ाई हुई, बाबर ने इनको हरा दिया और बाबर ने फिर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था नॉर्थ इंडिया में। दैट वॉज द हिस्ट्री ऑफ बाबर। बाबर भी काफी एक बहुत बड़ा दावेदार और बहुत हम कहेंगे प्रबल रूलर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था बाबर। इतना ही नहीं, इनके बाद आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो ये बहुत जाने माने रूलर है ना, ऐसे कोई नहीं है इंडिया में जो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को नहीं पहचानते। पहचानते आप सभी महाराणा प्रताप, नाम सुना है? चलो महाराणा प्रताप के बारे में कुछ चीजें बता दूं। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो सुन के हमें शॉक लगता है कि ऐसा कैसा होगा। महाराणा प्रताप को माउंटेन मैन कहा जाता है, पता है आपको? माउंटेन मैन, एक पहाड़ जैसा इंसान। महाराणा प्रताप की जो हाइट थी वो 7'5" थी, 7'5" यानी समझ जाओ, अच्छे इतने इतने होंगे वो। ये दरवाजे से भी नहीं, दरवाजे जितने पकड़ लो, इतने ऊंचे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का वेट लगभग 208 किलो था, ह्यूज माउंटेन मैन। एक एक को पकड़ के फेंक देंगे, यानी क्या लगते होंगे जब महाराणा प्रताप खड़े रहते होंगे, 7'5" के इंसान। अमिताभ बच्चन तो 6'3" 6'4" ही है, 6'4" 6'5" कुछ आएंगे। अमिताभ बच्चन से 1 फुट ऊंचे, केबीसी में आएंगे तो अमिताभ बच्चन इतने से दिखेंगे। अरे आइए अमिताभ बच्चन, आपको गले लगा, हॉट सीट छोटी। महाराणा प्रताप तो ऐसे खड़े भी हो गए तो कोई बाइक तो उनके पैर के नीचे से निकल जाते होंगे आजकल की, इतने हाइट है उनकी। महाराणा प्रताप जो आर्मर पहनते थे ना, ये ऐसा आर्मर, वो आर्मर का कितने किलो का आर्मर था बताएं? 72 किलो का आर्मर, यानी उनके कपड़े जैसे आर्मर जो पहन रहे हैं, 72 किलो का तो आर्मर पहनते थे महाराणा प्रताप। इतना ही नहीं तो महाराणा प्रताप जो होते हैं वो 1650 यानी हम कहेंगे कि जब भी 1568 में भी उनकी एक लड़ाई भी हुई थी, वो भी आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था उसके बारे में पता होगा आपको, है ना? उसका नाम चेतक था। जो महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था चेतक, वो भी काफी एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स माना जाता है, ठीक है, ये भी अपने को पता चलता है। और आपको बताता हूँ कि महाराणा प्रताप की एक लड़ाई है 18 जून 1576 को हुई थी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। महाराणा प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, वो गद्दार निकला, धोखेबाज निकला। महाराणा प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, उसने मानसिंह को आइडिया दे दी थी। इट वॉज द बैटल फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, मीन्स अकबर के तरफ से मानसिंह लड़े थे। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई एक्सपांशन की लड़ाई थी, क्योंकि दोनों जगह से राजपूत लड़े थे। महाराणा प्रताप लड़े थे एक साइड से, दूसरे साइड से राजा मानसिंह लड़े थे। राजा मानसिंह जो थे वो ये लड़ाई जीते भी थे, राजा मानसिंह ये लड़ाई जीते। और बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो होती है, ये जीतने के बाद, अभी देखिए राजस्थान के इतिहास में हिस्ट्री चेंज कर दी गई। हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी में अकबर की हार हुई थी, बट ये चीज़ सही नहीं है जहाँ तक के इतिहास का सवाल है।
देखिए आपके रूलर कोई भी रहे, वो हारे करके एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होता है कभी कभी किसी के पास आर्मी ज्यादा होती है, किसी के पास सेटल रूल होता है, वो जीत जाता है, उसमें क्या है, हार जीत तो चलती रहेगी ना, रूलर अच्छे थे इतना पता है बहुत है। ये जीतने के बाद महाराणा प्रताप की यहाँ पे हार हुई। महाराणा प्रताप के भाई एक्चुअली उसके पीछे गद्दार माने जाते हैं, इनके भाई ने धोखा करके सब सीक्रेट्स बता दिए थे अगले पार्टी को, जिस कारण महाराणा प्रताप की बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हार। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, ये एक और रूलर हमें पता चलते हैं राजपूत के एक महान रूलर में से एक है ही, और बिल्कुल है, और इतने ह्यूज रूलर भी है, पर्सनालिटी वाइज देखो, उनके दिमाग देखो, उनके घोड़े से लेकर हर चीज, चेतक नाम का जो घोड़ा था वो भी घोड़ा बहुत पावरफुल था, उसको भी यानी किसी के लिए बहुत मुश्किल था कि उसको दबा दे उस घोड़े को, है ना। तो हम कहेंगे महाराणा प्रताप की ये कहानी। हल्दीघाट में एक म्यूजियम भी है, हल्दीघाट म्यूजियम कहा जाता है, उसमें इनके बारे में काफी सारी चीजें दी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना चेतक, महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरह इंजर हुए थे एक लड़ाई में। ये लड़ाई में इंजर होने के बाद महाराणा प्रताप को ये घोड़ा बहुत दूर तक ले गया। सबसे ज्यादा ये जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक ये जाना जाता है, उसने एक जंप मारी थी एक कैनल से, और वो जंप जो थी एक रिवर के ऊपर से उसने जंप मारी थी, और वो जंप उसने 22 की 25 फीट की जंप मारी थी, जैसे कि उड़ा वो हवा में, ऐसा समझ जाओ, हाँ 22 फीट, फिर भी पकड़ लो ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का एरिया, इतना तो उसने जंप मार के क्रॉस किया था महाराणा प्रताप को लेके जब निकला था। तो वो घोड़ा भी बहुत पावरफुल था, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं इतिहास में महाराणा प्रताप। तो हमें देखने मिलते हैं रूलर्स में पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गढ़वाल या जयचंद राठौड़, राणा खुंबा, राणा संगा, महाराणा प्रताप। अब इनके स्टेट्स, राजपूत लोगों के स्टेट्स देखो, राजपूत लोग जो स्टेट्स में रहते थे उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया प्रतिहार का जो रूल था वो टूटा, प्रतिहार का जब एम्पायर टूटा तो वहां से राजपूताना स्टेट बनने शुरू हुए। इंपॉर्टेंस ये था गढ़वाल का, कन्नौज के जो गढ़वाल थे उनका इंपॉर्टेंस ये था सबसे पहले, हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वर गढ़वाल ऑफ कन्नौज, इंपॉर्टेंट जो जो लोग हैं वो, और इनका इंपॉर्टेंस भी रहा है हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने जब रूल किया तो वो जगह जो है वहाँ पे कोई ना कोई रूलर मिला, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया था, प्रतिहार टूटने लगे, तो ये था कि बाहर के लोग आके रूल करेंगे या इंडिया के कुछ लोग रूल करेंगे, ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल था। तो इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर गढ़वाल ऑफ कन्नौज, परमार ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर, कालचूरी नियर जबलपुर, चंडेला ऑफ बुंदेलखंड, चालुक्य ऑफ गुजरात, तोमर ऑफ दिल्ली, ये सब जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपके एनसीईआरटी से पढ़ के, वही चीज है। राजपूत हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, कुछ कुछ राजपूत जैनिज्म को भी फॉलो करते थे, इतना ही नहीं तो वर्ण सिस्टम को भी वो मानते थे, चार वर्ण होते, चार वर्ण के नाम बताओ सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, बाद में और फिर शूद्र, ऐसे चार वर्ण होते हैं। इन वर्ण सिस्टम में भी वो बिलीफ रखते थे, मैंने आपको बताया ब्राह्मण्स को बहुत सारे डोनेशंस भी दिए थे इन्होंने, इस कारण ब्राह्मण ने इनको क्षत्रिय वर्ण में ही रिकॉग्नाइज किया था राजपूत लोगों को। तो राजपूत लोग जो होते हैं ये क्षत्रिय माने गए, और इनके पास पावर ये था कि ये रूल कर सकते। राजपूत लोगों का ओरिजिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट फिर भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखो वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी ऐसे दो होते हैं, पता आपने कभी सुना है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी? तो राम के साइड से और कृष्ण के साइड से ऐसे एक महाभारत जैसा हम कहेंगे, तो अलग अलग इससे आते हैं, ठीक है। तो राजपूत की कहानी बहुत लंबी है, बट समझना बहुत कठिन है कि एग्जैक्टली सच क्या है।
चलो उसके बाद आएंगे तो हमें देखने मिलता है अगला। सबसे पहले हम देखेंगे चौहान ऑफ अजमेर। अजमेर नाम का रीजन पता है आपको कहाँ आता है? हाँ, राजस्थान में अजमेर आता है। अजमेर ये जो राजस्थान में आता है, यहाँ पे रूल करते थे चौहान लोग। आज अजमेर में दरगाह भी है। किसकी? हाँ, किसकी दरगाह? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो आपने ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना देखा होगा, वो मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए ही है वो गाना। तो मोइनुद्दीन चिश्ती एक सेंट थे, सूफी सेंट, उनके वो दरगाह है वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में। अजमेर में ये लोग रूल करते थे पहले। ये लोग कौन थे? गुर्जर प्रतिहारा के फ्यूडेटरी थे। फ्यूडेटरी यानी आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया जो राजा था वो अपना रूल एम्पायर कुछ हिस्सों में तोड़ता था और यहाँ एक एक व्यक्ति रखता था। ये एक एक व्यक्ति इनका फ्यूडेटरी था। इनमें से ही एक व्यक्ति थे चौहान। चौहान थे गुर्जर प्रतिहारा के, अजयराज चौहान ये इनके मेन रूलर थे। जो शकंभरी करके जो किंग है, शिकंभरी करके जो जगह है वहाँ के थे। उन्होंने एक शहर बनाया था अपने ही नाम पे, अजय मेरू। अजय के नाम पे उन्होंने अजय मेरू रखा था, जिसको बाद में अजमेर कहा गया। अजय मेरू नाम का शहर, इसको अजमेर कहा गया। उसके बाद हिज सक्सेसर विग्रहराज कैप्चर्ड दिल्ली का फ्रॉम तोमर किंग्स। इसके बाद तोमर के हाथ में दिल्ली था, जिसको दिल्ली का भी कहा जाएगा। ये लोगों ने अटैक किया दिल्ली का पे, किस पे? तोमर लोगों पे, चौहान ने, और चौहान के हाथ में गया दिल्ली का नाम की जगह। आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान द डायनेस्टी वॉज वीकेंड और फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में इनका किंगडम गया। तो देखो, चौहान अजमेर के और दिल्ली का के तोमर, इन्होंने क्या किया? तोमर को हरा दिया और ये किंगडम भी अपने इसमें जोड़ दिया। तो अजमेर दिल्ली ये पूरा किंगडम आता था किसके पास? चौहान के पास। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका अटैक किया, इनका अटैक किया मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसके हाथ में अजमेर दिल्ली सब गया और यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे जाके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरे आते हैं तोमर। तोमर करके नाम सुना होगा। तोमर लोग जो है वो दिल्ली के होते हैं। तोमर भी प्रतिहार के फ्यूडेटरी थे, पूरे फ्यूडेटरी थे। प्रतिहार टूटा इसलिए ये लोग आए। देखो, जब भी किंगडम टूटता है तो जितने भी एक एक हिस्से में लोग रूल करते हैं वो पूरे लोग फिर क्या क्लेम करेंगे? भाई वो एरिया मेरा था, अब कोई राजा नहीं रहा तो मेरा एरिया मैं संभालूंगा। ऐसी चीजें होने लगी। इसलिए इन्होंने दिल्ली नाम का शहर बनाया था 736 AD में। और तोमर जो थे दिल्ली के, वो हरियाणा और दिल्ली पे रूल करते थे। आज के डेट में जो हरियाणा है और दिल्ली है वहां पे रूल करते थे तोमर। महिपाल तोमर करके एक रूलर था। महिपाल तोमर कैप्चर थानेश्वर। थानेश्वर नाम की एक जगह है, हंसी नाम की एक जगह है, नगरकोट नाम की जगह है। 1043 AD में ये हुआ। बाद में इनके ऊपर किसने अटैक कर दिया? चौहान। इनके ऊपर चौहान ने अटैक किया। चौहान के हाथ में दिल्ली गया और दिल्ली के ऊपर फिर मोहम्मद घोरी ने अटैक किया। चौहान से दिल्ली मोहम्मद घोरी के हाथ में गया। मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर बना दिल्ली का, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा है। उसके बाद आता है मेवाड़। अब हमने पहला जो देखा वो है अजमेर, दूसरा जो देखा वो है दिल्ली तोमर, तीसरा जो देख रहे वो है मेवाड़। अब मेवाड़ नाम का रीजन देखो। मेवाड़ ये साउथ सेंट्रल राजस्थान में आता है, वेस्टर्न इंडिया। इसमें भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है आज के डेट का राजस्थान का, वो चित्तौड़गढ़, राजासमान करके है, उदयपुर, पिरवाड़ तहसील, झलावर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान का, नीमच एंड मंडसौर करके जो है मध्य प्रदेश में ये, और कुछ पार्ट गुजरात के। इतने बड़े रूल, इतना बड़ा आता है मेवाड़ वालों का रूल। रीजन वॉज द पार्ट ऑफ राजपूत रूल मेवाड़ किंगडम ऑफ उदयपुर किंगडम, और द उदयपुर किंगडम कहा जाता है। 1568 में अकबर ने अटैक किया मेवाड़ पे और ये पूरे रीजन अकबर के हाथ में गए। ये पूरे भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और हम कहेंगे कि उदयपुर, पिरवाड़ डिस्ट्रिक्ट, झलावर डिस्ट्रिक्ट में आता है पिरवा तहसील,
उसके अलावा नीमुच हो गया, मंदसौर हो गया, या फिर हम कहेंगे बाकी गुजरात के कुछ पार्ट, ये पूरे के पूरे अकबर के अटैक के बाद अकबर के हाथ में चले गए और अकबर के हाथ में पूरा ये इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा लग गया था। तो ये मेवाड़ पहला हमने देखा, वो अजमेर, दूसरा दिल्ली, तीसरा मेवाड़, अब चौथा मारवाड़। मारवाड़ के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है ना, नागपुर के लोगों को नागपुरी, वैसे मेवाड़ के लोगों को ना मारवाड़ के लोगों मारवाड़ी। मारवाड़ी मुस्लिम भी होते हैं, पता है आपको, मुस्लिम में भी आते हैं मारवाड़ी, जैन में भी मारवाड़ी जैन भी होते हैं, मारवाड़ी ब्राह्मण भी होते हैं, वहां के लोग मारवाड़ के लोग मारवाड़ी, वो कोई भी रह सकते हैं, ऐसा है। मारवाड़ी लोगों में ये भी आते हैं बनिया, बनिया आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं। अब देखो मारवाड़ 1194 महमूद ऑफ घोरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज, ये मैंने आपको बताया 1194। 1192 मोहम्मद घोरी डिफीटेड ऋतुराज चौहान। 1194 मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद गढ़वाल। 1194 कौन सी लड़ाई है गढ़वाल वाली, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की लड़ाई ये है, ठीक है। तो ये दो चीजें पता चली। इसके बाद जोधपुर, अब आपको बताता हूं, जब मोहम्मद घोरी ने जयचंद ऑफ कन्नौज को हराया तो उसका जो डिसेंडेंट था शिवजी करके, शिवजी, शिवजी नाम का जो डिसेंडेंट था, एस्टेब्लिश देमसेल्फ एट मंदौर सिटी, सिटी इन मारवाड़, मारवाड़ में एक मंदौर नाम के शहर है, वहां पे उसने एस्टेब्लिश किया और जोधपुर स्टेट बनाया, एक स्टेट बना जोधपुर। जोधपुर ये राज्य आपको पता है, जोधपुर इस राज्य, जोधपुर इस डिस्ट्रिक्ट का या इस जगह का एक कपड़ा भी बहुत फेमस है, जोधपुरी, जोधपुरी वही से निकला हुआ है, जोधपुरी नाम का जो हम कहते हैं, जोधपुर स्टेट यहाँ पे बनाया गया। राजस्थानी लोग यानी हम कहेंगे जो राजपूत लोग थे जोधपुरी वाला तो ये पहनते थे पैटर्न, इसलिए वहां से फिर जोधपुरी निकली। तो हम कहेंगे जोधपुर स्टेट वॉज फाउंडेड इन 13th सेंचुरी बाय राठौड़ क्लैन ऑफ राजपूत हु क्लेम डिसेंडेंट फ्रॉम गढ़वाल किंग ऑफ कन्नौज। उन्होंने बोला कि जो जयचंद गढ़वाल है उन्हीं के हम वंशज है और उसको उनको हराने के कारण हम लोग यहाँ सेटल हुए और हम अपना रूल बनाते हैं, हम राठौड़ लोग हैं, ये लोग राठौड़ बन गए। राठौड़ रूलर्स ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑफ जोधपुर, ये एंशियंट डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, यानी ऐसा कहा जाता है कि हम बहुत पहले से हैं, हम एंशियंट टाइम से हैं यहाँ पे, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं, अपने को और कोई कन्फर्म चीजें नहीं पता। डायनेस्टी फॉर्च्यून्स वर मेड बाय राव जोधा द फर्स्ट रूलर ऑफ राठौड़ डायनेस्टी इन जयपुर, इन्हीं के नाम पे तो जोधपुर, इसलिए तो जोधपुर कहा गया। यानी डायनेस्टी जो है सबसे ऊपर बड़ी राव जोधा नाम का एक रूलर था उसके वक्त, ये पहला रूलर था राठौड़ डायनेस्टी का, ऐसा कहा जाता है। इसी के नाम पे इसकी जगह को जोधा है इसलिए जोधपुर कहा गया, ये लड़का है राव जोध कर, राव जोधा जोधपुर, ये मारवाड़। मारवाड़ के बाद बुंदेलखंड, चंडेला लोग जो है बुंदेलखंड के, 9th सेंचुरी में हर्षदेव ने बनाया था ये डायनेस्टी को, जिसको कहा जाता है चंडेल। बुंदेलखंड को जेजू का भुक्ति भी कहा जाता है, जेजू का भुक्ति यानी भुक्ति यानी बुंदेलखंड। माहोबा जो ये कैपिटल रहा था चंडेला रूलर का, और इनका पीरियड जो था द पीरियड ऑफ चीफ यशोवर्मन कालिंजर जो है वॉज देयर इंपॉर्टेंट फोर्ट, है ना। तो हम कहेंगे कि कालिंजर एक इंपॉर्टेंट फोर्ट था इनका, किसके वक्त, तो चीफ यशोवर्मन करके एक राजा था उसके वक्त। तो चंडेला का एक मेन राजा देखने मिलता है यशोवर्मन और हर्षदेव इसका फाउंडर, चंडेला डायनेस्टी बनाने वाले हर्षदेव, और इनका कैपिटल था बुंदेलखंड जिसको जेजू का भुक्ति कहा जाता था। माहोबा जो है ये कैपिटल था कन्नौज चंडेला का जब यशोवर्मन थे, और सबसे मेन फोर्ट जो इनका था वो कलिंजर फोर्ट था, कलिंजर फोर्ट। चंडेला जो थे उन्होंने बहुत फेमस फोर्ट बनाया, जैसे कंदरिया महादेव टेम्पल, बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े टेम्पल भी बनाए कंदरिया महादेव टेम्पल 1050 AD में, और बहुत सारे टेम्पल्स बनाए खजुराहो में। खजुराहो में जो मंदिर बने हैं वो ज्यादातर चंडेला के ही बनाए हुए हैं, ऐसा भी हमें पता चलता है। विद्याधर जो था इज नोटेड फॉर हैविंग कमीशन द कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल बनाने वाला जो व्यक्ति है वो है विजयधर, विजयधर। तो इस तरह की चीजें हमें पता चलती है अबाउट दिस
अनादर यानी हम अनादर रूलर्स जिनको हम कहते हैं चंडेला कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव टेम्पल जो होता है ये बहुत फेमस एक टेम्पल है और ये टेम्पल मध्य प्रदेश में आपको देखने मिलता है खजुराहो में। कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी लिस्ट में डाला गया कंदरिया महादेव टेम्पल। चंडेला के बाद परमार, तो अब तक अपने को जो देखने मिले वो है चौहान। बताओ कहाँ के थे चौहान? अजमेर। उसके बाद तोमर दिल्ली। उसके बाद जो मेवाड़ वाला रीजन है वो मेवाड़ के बाद मारवाड़ देखा हमने, मारवाड़ के बाद बुंदेलखंड देखा, बुंदेलखंड के बाद अभी परमार देखेंगे और चालुक्य और कालचुरी देखेंगे। परमार जो लोग थे वो लोगों की बात करें तो ये अग्निवंशी राजपूत डायनेस्टी है। देवर द पार्ट ऑफ अग्निवंशी राजपूत डायनेस्टी ऐसा कहा जाता है कभी कभी कि एक यज्ञ हुआ था माउंट अबू के पास, उसमें से कुछ राजपूत निकले थे उस यज्ञ के कारण, इसलिए उनको फिर अग्निवंशी ऐसे बहुत अलग अलग कहावत यानी अलग अलग कहानियां हैं राजपूत लोगों की। तो ये अग्निवंशी है एंड एस्टेब्लिश्ड इन अग्नि से निकले हुए लोग हैं, यज्ञ से पकड़ सकते हैं। एस्टेब्लिश इन 9th and 10th century ये वत्सल थे राष्ट्रकूट के। जैसे हमें कुछ लोग देखने मिले जो प्रतिहार के थे, प्रतिहार के फ्यूडेटरी थे ना काफी सारे लोग, वैसे ही किसके फ्यूडेटरी थे तो ये थे राष्ट्रकूट। दे मेड धार एज देयर कैपिटल, धार करके जगह आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है, धार पता है, धार डिस्ट्रिक्ट, वहां मांडू आता है, मांडू बहुत फेमस जगह है, मांडू में रूइंस है, बहुत खास जगह है मांडू। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे भी ये जो मांडू है ये, तो हम कहेंगे मेड देयर कैपिटल एज धार। पवार लोग पता है, पवार, पवार लोगों के ये वाले परमार यानी पवार, यहाँ पे अपने भंडारा गोंदिया साइड है पवार लोग, पवार उनके राजा राजा भोज, राजा भोज कभी सुना होगा, राजा भोज उनके राजा है और धार उनकी जगह है पवार लोगों की, वो राजपूत में ही कंसिडर करते खुद को क्योंकि ये इनके ही राजा थे। परमार जहाँ कहा जाता है कहीं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में उनको पवार कहा जाता है। तो भोज वॉज एन इम्पोर्टेंट रूलर इन देयर पीरियड, धार वॉज देयर कैपिटल, लेटर परमार रूलर मूव देयर कैपिटल टू मांडू, धीरे धीरे मांडू में आए लोग। मांडू की किस्से कहानियां बहुत सारी है, मांडू में आपको बताऊंगा एक रानी रूपमती पवेलियन है, बहुत खास जगह है मांडू। मांडू ये गुजरात बॉर्डर पे मध्य प्रदेश में है और आपको ये महाराष्ट्र से कुछ थोड़ा डिस्टेंस पे देखने मिलता है मांडू, तो भी 400-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 400 तो आराम से है मांडू, क्योंकि मैं तो बाइक से गया हूँ मांडू, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस मांडू। मांडू में एक रानी रूपमती पवेलियन है। मांडू के राजा की कहानियां काफी अलग अलग, अब इनके हाथ में मांडू आया, बाद में मांडू इधर उधर ट्रांसफर होते होते एक राजा के भी हाथ में आया, आगे भी आपको एक कहानी बताऊंगा। काफी सारी लव स्टोरीज ऐसी जो हमें पता है, जैसे शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी जिसमें मुमताज ने उनके लिए ताजमहल बनाया, वैसे एक मांडू के राजा की कहानी थी जिसने रानी रूपमती के लिए एक पवेलियन यानी एक बहुत बड़ा महल बना के दिया था। वो उसकी कहानी ऐसी है कि वो जो राजा था वो एक जगह पे एक शिकार पे गया, मांडू की कहानी बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको उस राजा का भी नाम बताऊँ, उस राजा की आपकी हिस्ट्री में नहीं है वो राजा, बट फिर भी बताता हूँ। हाँ, बाज बहादुर, बाज बहादुर करके एक सुल्तान था मालवा, इधर मालवा का, मांडू उसका कैपिटल था। तो बाज बहादुर ने क्या किया, बाज बहादुर एक बार शिकार पे जाता है और बहुत ही नॉर्मल खानदान की एक लड़की थी जो वहाँ बैठी थी बाज बहादुर की, यानी उसको वो पसंद आ जाती है एकदम, ऐसा समझता है कि वो जो ये होते ना चराने वराने वाले, उनकी कुछ तो भी बेटी थी। वो एक जंगल में बैठी थी, अब जंगल में बैठी थी, वो गाना वाना गा रही थी, उसको पहले तो गाने की आवाज़ है, गाने की आवाज़ इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है इतना बेस्ट, तो देखते देखते वहाँ पे पहुँचा तो उसको दिखी कि रानी रूपमती। अब जब रानी रूपमती वहाँ पे बैठी है तो हम यही कहेंगे कि रानी रूपमती उसको, यानी उसका नाम रानी, पहले वो रानी नहीं थी बाद में वो रानी, तो रूपमती उसको पसंद आई। फिर भाई साहब ने उससे उसको पूछा कि बाज बहादुर, फिर मिलने लगा उसको बहुत पसंद आने लगी, फिर उसने शादी के लिए पूछा रानी रूपमती को, रानी रूपमती बोली कि मैं तो
देखो मेरी जगह ये है, मैं मेरी जगह छोड़ के मांडू में सेटल होंगी और क्या होगा मुझे भी इसका अंदाजा नहीं है। और मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो नर्मदा मैया जो है उनकी पूजा करता करती हूँ, क्या आप मुझे शादी के बाद ऐसा कुछ करने देंगे कि मैं नर्मदा जो माँ है माँ नर्मदा उनकी फिर भी पूजा करते रहूँगा? तो बोले ठीक है, पर वो बोले मांडू में तो मैं नर्मदा नहीं है तो मैं कैसी पूजा करूँगी? तो उनकी कुछ शर्त थी, यानी उन्होंने क्या किया, बाज बहादुर ने रानी रूप में पवेलियन देखोगे ना तो एकदम पहाड़ के हाइट पे बनाया हुआ है, उस पहाड़ के एक किनारे में पूरी खाई है, एक किनारे में मांडू है पूरा, एक किनारे में जाओगे रानी रूप में पवेलियन के तो आपको वहां से नर्मदा बहती हुई दिखेगी बहुत दूर पे, छोटी सी नर्मदा। तो उन्होंने ऐसा लोकेशन ढूंढा मांडू में जहां से उनको नर्मदा नदी दिखती थी रानी रूपमती की, और नर्मदा नदी को वो वहां से पूजा करते थे। तो एक शर्त पूरी हुई कि नर्मदा की मैं पूजा करने दूंगा आपको, तो ये करने दिया। दूसरा, जो उनका महल है वो महल राजा के महल के ऊपर बना है, वहां से आराम से राजा के ऊपर वॉच रख सकती थी। उसको ऐसा था कि आप क्या करते मुझे पता होना चाहिए। राजा ने बोला ठीक है, आपका महल ऊपर बनेगा मेरा नीचे बनेगा, आपके महल से मेरे महल में की हर चीज़ विजिबल होगी। आप मांडू में जाके जब रानी रूपमती पवेलियन देखोगे तो आप नीचे आराम से देख पाओगे कि नीचे सब दिखता है, क्योंकि राजा के पास और भी रानियां रहती थी ना, बट राजा की सबसे फेवरेट रानी रानी रूपमती थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब अटैक हुए इस राजा पे तो उसके बाद अटैक के दौरान राजा की डेथ हो गई थी, होने वाली थी, ये पक्का हो गया था, ये खबर आने लगी, तो रानी रूपमती ने अपने पवेलियन में सुसाइड किया था। और जब उसको पकड़ने के लिए दूसरे अपोनेंट्स आए और उसको कैप्चर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी जानी जाती थी खूबसूरती के लिए, उतने में उनके हाथ में सीधा उनकी डेड बॉडी लगी, क्योंकि वो डेड थी। इनकी कहानी लव स्टोरी इसी तरह ख़त्म हुई कि राजा भी ख़त्म रानी भी ख़त्म, बट रानी के लिए बहुत कुछ करके गया वो बाज बहादुर। जब मांडू पे अटैक हुए तो मांडू के ऊपर बहुत सारे महल के महल तोड़ दिए, महल पूरे टूटे फूटे रुइंस है मांडू में। मांडू एक बहुत खूबसूरत जगह है, और कुछ लोग कहते हैं कि अंदर से आवाज़ें भी आती हैं, पर आवाज़ें आती है ऐसा कुछ मुझे तो महसूस नहीं हुआ वहाँ से, कि आवाज़ कौन सी आएगी। रानी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं मांडू में, ये वो, कुछ आवाज़ नहीं आती, और कुछ नहीं है ना, भानगढ़ के किले में कुछ है ना इधर कुछ है। भूत कहाँ से आएंगे? और भूत होते तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, इनके तो करप्ट लोगों को तो भगत सिंह ने आज भी असेसिनेशन किए रहते, आज भी अपने लोग कम थोड़ी उस सॉन्डर्स या फिर स्कॉट से, इन्होंने भी बॉम्ब डाले रहते असेंबली में, कोई रहेंगे अगर रहते तो कितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा होने नहीं दिया रहता देश में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ऐसा कुछ रहता होगा, आपने नहीं पता, बट ऐसी कहानियां रही है इन लोगों की भी। तो ये मांडू नाम का शहर इसीलिए बहुत जाना जाता है, मांडू। और महाकाल देव करके एक है, ये लास्ट नोन परमार किंग था, पवार लोगों का एक नोन किंग जो है, जिनको यहाँ पवार कहते हैं, गुजरात में परमार, मध्य प्रदेश में परमार कहते हैं, जैसा पाटिल, ये सॉरी पटेल, उधर पटेल पाटीदार, इधर पाटी, हाँ पटले, वो भी पटेल वाले वही है, पाटीदार लोग रहते हैं पूरे वैसे, तो ये सब इधर इधर सेटल हुए हुए लोग हैं। गुजरात में पटेल कहेंगे, यहाँ पे पटले, ऐसे अलग अलग फिर नाम आते हैं। जैसे ये आएंगे परमार, तो यहाँ पे पवार कहेंगे। ही वॉज डिफीटेड एंड किंग बाय फोर्सेस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साफ कर दिया पूरा परमार। अलाउद्दीन खिलजी क्या रूलर है, बेस्ट रूलर, मैंने बताया वन ऑफ माय फेवरेट रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही जबरदस्त रूलर। सिर्फ वो पद्मावती के पीछे था इसलिए नहीं, वो तो उसके लाइफ का बहुत अलग पार्ट होगा, वो सब कुछ भी हिस्ट्री में नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि रानी पद्मावती उसको पसंद थी, ऐसा कुछ किताबों में लिखा, एक पद्मावत नाम की किताब है उसी में लिखा है, बाकी कुछ नहीं उसके बारे में। उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे तो इम्प्रेस हो जाओगे अलाउद्दीन खिलजी से, ऐसा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबको साफ किया था, पूरा साफ, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भी साफ, एक को नहीं छोड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर लोग तो बाद में आए थे, अलाउद्दीन खिलजी पहले का रूलर। फिर चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, चालुक्य जो लोग होते हैं ऑफ व्हाट इज नाउ गुजरात एंड राजस्थान इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये 940 से 1244 सी में रूल किए। उनका कैपिटल जो है वो अनहलीवाड़ा करके है, आज के डेट का पटन करके गुजरात में, वहां पे है। मूलराज जो है उसने बनाया था चालुक्य की डायनेस्टी,
एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ भीमा फर्स्ट महमूद ऑफ गजनी प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल. भीमा फर्स्ट रूल करता था तब महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ को लूट डाला था, डिस्ट्रॉयड. भीमा फर्स्ट भाग गया था लोगों को लेके वहां से, ये घुस गया, ये यानी भागना ही पड़ता था. महमूद ऑफ गजनी जब लूटने आता था इंडिया तो लोग कांपते थे, रूलर कांपते थे कि भाई जो लूटना है लेके चले जाए, इधर हमको कुछ मत करो, क्योंकि पूरा साफ करके जाता था, जो बीच में जला डालता था सब जुलाना तोड़ फोड़ करके जाते थे. जैसे चंगेज खान, गेंगिस खान जिसको कहा जाता है, वो भी वैसा ही था. ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां तो उस पर फिदा थी. अब सच में फिदा थी कि डरती थी पता नहीं, बट कोई भी लड़की उससे शादी करने को रेडी रहती थी. बोलते चंगेज खान जाते थे, बोल देंगे हाँ कि तू तेरे से शादी करना, बोलेगी यस चलो मैं आपसे शादी करने को रेडी हूँ. अब इतना इंप्रेसिव था या फिर वो उससे डर के हाँ बोलती थी ये नहीं पता, बट ऐसा कुछ तो भी होते रहता था. तो ऐसा ही ये जब आया था ना, आपको बता दो, मूलराज इज सेड टू हैव बिल्ट मूलवास्तिका टेम्पल ऑफ दिगंबर जैन एंड मूलनाथ जीनादेव टेम्पल ऑफ श्वेतांबर जैन, ऐसे कुछ टेम्पल भी बनाए. इवन आप दिलवारा टेम्पल देखोगे माउंट आबू में, जब जाओगे राजस्थान में, माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल है और मोधेरा सन टेम्पल है मोधेरा गुजरात में. ये टेम्पल्स भीमा फर्स्ट के वक्त बनाए गए थे. रानी की वाव जो होती है ये क्वीन उदयमती के लिए बनाया गया था. रानी की वाव जो कि आपके नोट पे भी बनी है, कितने रुपए के नोट पे ना रानी की वाव बताओ, सब पता हो ना. देखो मैं आपको बताता हूँ, आज एक काम करके आना, 10 रुपए इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, 2000, इन नोट पे क्या क्या बना है सब देख के आना, लिख लो सब. 2000 तो ठीक है बंद हो गई, 2000 पे मंगलयान था, 500 पे तो आपको पता ये लाल किला बना हुआ है, ये दो तो बताइए. तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 से शुरू करूंगा और रंग भी देख के रहे, रंग भी कुछ भी हो सकता है, एग्जाम है वो. ये गुलाबी हरी ये तो पता ही होले हमको. बाकी देखना ये तो पता है, ये भी पता है, थोड़ी ग्रीनिश अलग है थोड़ी सी, ये ब्लूइश है, ये ऑरेंज, ये वाली येल्लो येल्लोइश है ना, और ये खाकी कलर है, थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश कलर की. रानी की वाव जो होता है क्वीन उदयमती के लिए बनाया गया. ऐसा सब है, चालुक्य लोगों का बहुत बड़ा आर्ट है चालुक्य. ये सब आपको बताऊंगा सोमनाथ तो और ये सब की कहानी. अभी हम गजनवीट के तरफ जाएंगे तब, अभी तो हम राजपूत पढ़ रहे. उसके बाद कालचुरी त्रिपुरी के, कालचुरी लोग छेदी, कालचुरी ऑफ छेदी रूल्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग 7th to 13th centuries फ्रॉम देयर कैपिटल त्रिपुरी नियर जबलपुर. जबलपुर के पास आता है त्रिपुरी, आपको मैंने पहले बताया था कालचुरी लोग जबलपुर. किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ लक्ष्मीकरण हु अज्यूम्ड द टाइटल चक्रवर्ती, एक मिलिट्री कैंपेन किया था. उसके बाद हम कहेंगे आजू बाजू के पूरे एम्पायर को अपने अंडर लाया थे इसने, कालचुरी जो ये था ना लक्ष्मीकरण है उसने, यानी चक्रवर्ती नाम लिया था इसने चक्रवर्ती. करण टेम्पल करके अमरकंटक में वॉज बिल्ड बाय लक्ष्मीकरण. अमरकंटक जहां से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से, कौन सी, नर्मदा, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से. तो ऐसे रहे ये पूरे रूलर राजपूत स्टेट्स के, चौहान अजमेर के, तोमर दिल्ली के, मेवाड़ मारवाड़ चंडेला बुंदेलखंड के, परमार मालवा के, उनके अलावा चालुक्य गुजरात. ये देखो मेवाड़, ये मेवाड़ रीजन है, भीलवाड़ा राजसमंद या फिर हम कहेंगे उदयपुर चित्तौड़गढ़, ये मेवाड़. ये मारवाड़ है, बामेर जोधपुर नागौर पर चालोर. ये रानी की वाव है, रानी की वाव
हवा महल जयपुर में, कंदरिया महादेव टेम्पल, ये है खजुराहो, खजुराहो हाँ ये भी वही पे, पूरे टेम्पल्स वही पे हैं पूरे खजुराहो में, ये ग्रुप है पूरे बहुत सारे, हाँ वो पूरे ही खजुराहो के उसमें ये भी आते हैं, ग्रुप जैसा ही है वो पूरा, ग्रुप ऑफ टेम्पल जैसे वैसे। राजपूत राजपूत का कौन सा लिखा था वहां, चलो अब खतरनाक इतिहास की शुरुआत। पहले इतिहास को पढ़ने की शुरुआत यहां से होती थी, मेडिवल को, दिल्ली सल्तनत से। अभी आजकल हम बाकी लोगों को पढ़ के शुरुआत करते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। पहले दिल्ली सल्तनत से पढ़ना है, फिर मुगल्स को पढ़ना है, हो गया, मेडिवल खत्म करना है, ऐसा वाला खेल था। अब ऐसा नहीं रहा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जाएंगे दिल्ली सल्तनत के, सबसे पहले अरब और तुर्क को पढ़ेंगे। इन्वेजन, सबसे पहले हम आते हैं इन्वेजन। इन्वेजन में पहला आता है अरब इन्वेजन। इन्वेजन यानी जो इंडिया पे अटैक हुए वो, उसको कहा जाता है इन्वेजन। इंडिया पे एक एक करके लोगों ने अटैक किए, ऐसे ही अटैक करने वालों में से एक थे अरब के लोग। अरब के लोग इंडिया में अटैक करते हैं, अरब से आएंगे और इंडिया में अटैक करेंगे, है ना, तो यहाँ से इंडिया में घुसते थे, लेकिन सऊदी अरेबिया, ये अरब के कुछ देश है, यहाँ से वो इधर घुसते थे, ऐसे ऐसे होके ऐसा चलता था। अरब इन्वेजन में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात बताता हूँ, अरब वाले ज्यादा नहीं है, मेन अटैक टर्क लोगों ने किए। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति था 712 एडी में, एक रूलर जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज करके एक व्यक्ति है, वो इराक का गवर्नर था। अल हजाज वॉज गवर्नर ऑफ इराक, ये इराक है और ये इंडिया है। इराक का गवर्नर, उसका नाम अल हजाज, उसने मोहम्मद बिन कासिम करके एक व्यक्ति है उसको इंडिया में भेजा था कि जा और इंडिया के कुछ पोर्शन जीत के आ। वो इंडिया में आया, उसने सिंध जीता, सिंध नाम का जो रीजन है वो जीता, और ये जीतने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती थी खलीफा की, इसको कैलिफ कहते थे खलीफा को। खलीफा जो थे उस वक्त वालिद थे, खलीफा यानी इनके लीडर, धर्मगुरु पकड़ लो, यानी इस्लाम के जगत के सबसे ऊपर के लीडर खलीफा, जो टर्की के आसपास रहा करते थे, ओटोमन एम्पायर टर्की के आसपास खलीफा। ये खलीफ वालिद थे, वालिद से उन्होंने पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकता हूँ।
उसने कॉन्कर किया सिंध को, और एक जो लड़ाई लड़ी थी वो थी बैटल ऑफ रेवाड़। बैटल ऑफ रेवाड़ वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर। दाहिर जो था ये सिंध का रूलर था। दाहिर को हरा दिया गया, सिंध और मुल्तान को कैप्चर कर लिया गया, और मोहम्मद कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा था। इतना व्यापार हो सकता था मुल्तान से, सोने का शहर मुल्तान। आज मुल्तान पाकिस्तान में, सिंध भी पाकिस्तान में। दो रीजन कॉन्कर किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। तो टर्किश लोगों, ये अरब के लोगों का आना अच्छा था कि नहीं ये भी जान लेते हैं। अरब का एक ही अटैक रहा मेन वाला। अरब लोग सिर्फ इंडिया में व्यापार करने आते थे। अटैक जो रहा ये बैटल ऑफ रेवाड़ रहा। बैटल ऑफ रेवाड़ की अगर बात की गई तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर जो रूलर थे सिंध के, ये लोग रहे। दाहिर को हरा दिया गया और मुल्तान को कैप्चर कर लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा। ये होने के बाद अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब कॉन्क्वेस्ट के जो भी इफेक्ट रहे वो, सबसे पहले जो सिंध था वो, उसके कारण सिंध इन्होंने कैप्चर किया और वहां से इस्लाम इंडिया में आया। इफेक्ट क्या हुआ, इस्लाम इंडिया में आ क्यों पाया, क्योंकि इस्लाम इंडिया में इसलिए आ पाया कि सबसे पहले सिंध को कैप्चर किया। सिंध कैप्चर हुआ, सिंध में इस्लाम आया और इस्लाम फिर वहां से इंडिया में पहुंचा। दूसरा, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर वर लर्न बाय अरब फ्रॉम अर लैंड। हमारे लैंड से अरब लोग बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे शासन कैसा किया जाता है, प्रशासन कैसे संभाला जाता है, एस्ट्रोनॉमी, ग्रह और ये सब की चीज़ें। अपने बड़े बड़े लोग रहे हैं, अरे अपने आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े लोग आके गए, अरब लोगों ने सीखा म्यूजिक, पेंटिंग, मेडिसिन, आयुर्वेदा से लेकर हर चीज़। और यहाँ से वो इंडियन फिलोसॉफी को स्प्रेड किए, है ना, स्प्रेड एस्ट्रोनॉमी, इंडियन फिलोसॉफी एंड न्यूमरल्स टू यूरोप, यूरोप में स्प्रेड किया उन्होंने। ऐसा बोला जाएगा कि इंडिया में जीरो बना, तो ये जीरो हम यहाँ से पहुँचाया किसने, तो ऐसा पहुँचते जाएगा यूरोप तक। तो अरब लोगों का आना अच्छा भी हुआ, क्योंकि हम कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इंडिया की स्प्रेड हुई बाहर तक, और इंडिया को एक तरह से बहुत बड़ा रीच मिला, बहुत दूर तक इंडिया पहुँच पाया। इस तरह से अरब के लोगों का रूल रहा है। अरब के बाद टर्क आते हैं। अरब का ठीक है, अरब का ज्यादा नहीं, मेन है टर्क लोग। टर्क लोग खतरनाक थे। टर्क लोगों का इन्वेजन बता दो आपको। अब टर्क में इन्वेजन में पहला इन्वेजन महमूद ऑफ घोरी, गजनी। अब देखो गजनवीज, टूवर्ड्स द एंड ऑफ 9th सेंचुरी ट्रांस ऑक्सियाना, खोरासन एंड पार्ट्स ऑफ ईरान वर रूल्ड बाय समानिड्स हु वर ईरानियन बाय डिसेंडेंट। समानिड जो होते हैड टू बैटल कंटिन्यूअली विद टर्किश ट्राइब्समैन ऑन देयर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न फ्रंटियर्स। इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल दैट न्यू टाइप ऑफ सोल्जर द गाजी वॉज बॉर्न। द बैटल अगेंस्ट टर्क्स, अगेंस्ट द टर्क्स मोस्ट ऑफ हुम वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर where heathens in eyes of Muslim was a struggle for religion as well as for the safety of state. Hence Ghazi was as much a missionary as fighter. He acted to lose auxiliary and regular armies and made his pay by plunder. It was the resourcefulness of Ghazni and his willingness to undergo great privations for the sake of cause which enabled these infant Muslim state to hold their own against the Turks. In course of time many Turks became Muslims, but the struggle against the renewed incursions of the non-Muslim Turkish tribes continued. The Islamized Turkish tribes were to emerge as greatest defenders and crusaders of Islam, but the love of plunder went side by side with defense of Islam. Ab yahan pe jaise unhone likha hai ki dekho ab kaisa hai ki apna area protect karne ke liye kuch सोल्जर्स बनने लगे जिनको गाजी कहा गया। वो जो गाजी लोग हैं, गाजी, अब इन्होंने क्या किया कि दो काम शुरू किए। धीरे धीरे क्या हुआ, टर्क पूरा इस्लामाइजेशन होने लगा। टर्क में जो नॉन इस्लामिक ट्राइब्स भी जो थी वो तो अलग रहेगी, बट टर्क इस्लामिक कंट्री में आने लगा टर्क। अभी आते आते धीरे धीरे क्या होता है कि ये लोगों का फिर दो काम था आर्मी का, ये जो गजनी लोग थे, गजनी यानी हम यही कहेंगे कि एक जगह बन गई, एक आर्मी बन गई।
आर्मी से एक जगह बन गई गजनी नाम। ये जो गजनी नाम की जगह है वो उनका काम था कि इस्लाम को भी प्रोटेक्ट करना और दूसरा था कि अपने एरिया भी बढ़ाना और अपने लोगों की भी रक्षा करना। ऐसा ये दो काम करने लगे गजनी लोग। अब गजनी के बारे में बताओ, गजनी गजनी कहाँ पे आता है? तो गजनी अफगानिस्तान में आता है। आज के डेट में गजनी अफगानिस्तान में आता है। और ये गजनी नाम की जो जगह है जो आज के डेट में अफगानिस्तान में, वहां का एक रूलर जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। ये लोग पैसा कैसे कमाते थे? अब राज्य चलाना है तो ये राज्य चलाने के लिए पैसा कमाते थे इधर उधर लूट के। आजू बाजू के नेबरिंग टेरिटरीज को ये लूटते थे और लूट के अपना एरिया चलाते थे। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया। ये पहला व्यक्ति था जिसने इंडिया पे अटैक किया। और आपको बताता हूँ, वो गजना में जब गया, ये जो जगह है ना गजनी गजना, ये जगह पे जब वो पहुंचा तो इतना पैसा इतना सोना वोना लेके गया कि उसको ये लगा कि मैं वापस आते रहूंगा इंडिया, हर बार आऊंगा और लूट के जाऊंगा, हर बार आऊंगा लूट के जाऊंगा, ऐसा वो सोचता गया। आप गेस कर सकते हो कितने बार इंडिया पे लूटा होगा उसने इंडिया को? एनी गेसेस? 10, 15, 20, 5, 6, 16, 17? हाँ, 10 से ज्यादा या 10 से कम? 10 से ज्यादा बार लूटा था उसने इंडिया। आपको बताता हूँ कि ये जो व्यक्ति था, आपको हाँ फिर भी ऐसा समझ जाओ कि 17 बार इंडिया पे इसने लूटा था, 17 बार गजनी ने इंडिया से इतनी वेल्थ लेके जाता था। उसने एक बार तो 1025 एडी में एक टेम्पल ही लूट के गया सोमनाथ का, सीधा काठियावाड़ में है सोमनाथ, और राजा भीमदेव वहां का रूलर था। आपको पता है वो भीमदेव राष्ट्रकूता, ये राष्ट्रकूता नहीं चालुक्य, चालुक्य वाला भीम फर्स्ट जो भीमदेव थे ना, ये इतना खतरनाक, ये लूटता था सब जला वाला के तोड़फोड़ डिस्ट्रॉय करके जाता था। वो और उनके फॉलोअर यहाँ से भाग गए, बोले भाई जान बची तो लाखों बाय, बच गए तो बस बच गए, लाखों मिलने के बराबर है जान बच गई तो, जान बचा के भाग गए। ऐसा लूटने आता था, पूरा साफ करके जाता था, किसी को नहीं छोड़ता था, पूरा साफ, ने पूरा खेल ही साफ कर दिया था। और आपको बताता हूँ कि ये लूट के गया भी और इसमें टेम्पल को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरा साफ, 1026 में सोमनाथ का टेम्पल डिस्ट्रॉय। और गजनी की डेथ हुई 1030 में, 1030 में, ठीक है ये हुई। दूसरा जो टर्क आया ये आया मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी की अगर बातें देखी जाए तो मैंने आपको मोहम्मद घोरी के बारे में काफी सारी चीजें बताई। मोहम्मद घोरी कैसा था, क्या था, हाँ अब देखो मुइजुद्दीन मोहम्मद की कहानी। इन 1173 शहाबुद्दीन मोहम्मद, ऑल्सो नोन एज मुइजुद्दीन मोहम्मद साम, एक्सेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी।
जो गजनी करके जगह थी उस थ्रोन पे कौन आया? मुइजुद्दीन मोहम्मद या शहाबुद्दीन मोहम्मद। कब आया? 1173। किसके किसके? धीरे धीरे, यानी ये सब लोग जाने के बाद, ये बहुत पहले चले गया था, ये 1030 में, ये बात बीच बीच में कुछ रूलर आते गए, उसके बाद ये मेन आया। वाइल इज एल्डर ब्रदर वॉज रूलिंग घूर, घूर करके एक जगह है, वहां पे इसका बड़ा भाई रूल करता था। प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ गोमल पास, मुइजुद्दीन मोहम्मद कॉन्कर्ड मुल्तान। बस पास हो रहा था, मुल्तान दिखा, मुल्तान को कैप्चर किया। बहुत खतरनाक कहानी है इसकी। इन 1178 ये गुजरात में घुसने की कोशिश करता है। इसको आप मुइजुद्दीन भी कह सकते हैं या मोहम्मद घोरी भी कह सकते। घूर, घूर करके जो जगह है ना, वहां का मोहम्मद था, रूलर था, इसलिए इसको मोहम्मद ऑफ घोरी भी कहा जाता है। तो मोहम्मद घोरी भी कहते हैं या मुइजुद्दीन मोहम्मद कहते हैं। अब आपको बताता हूं, गुजरात में घुसने की कोशिश की, बट द गुजरात रूलर कंप्लीटली रूटेड हिम इन द बैटल नियर माउंट अबू। मुइजुद्दीन मोहम्मद वॉज लकी इन एस्केपिंग अलाइव। बट गुजरात का रूलर था, इसने ऐसा इसको मजा चखाई कि ये भी बोला जान बची तो लाखों पाए, लकी लिए सरवाइव करके निकला जिंदा उस बैटल से। जिंदा निकला, उसके बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि गुजरात घुसने से पहले पंजाब को कैप्चर करना पड़ेगा। पंजाब भाई तू है कितने दूर ये देख, ऐसा ही कहा जा रहा था। अब अगर मैं गजनी की बात करूं तो ये गजना करके जो जगह है ये अफगानिस्तान के आसपास आती है। अब अगर मैं घूर करके बात करूं, ठीक है, तो घूर करके जो जगह है या घोर करके जो जगह है ये भी अफगानिस्तान में आती है। तू कहां से अटैक कर रहा? तू अफगानिस्तान में रहता है और तू बोलता है तेरे को डायरेक्ट गुजरात में घुसना है। कैसा घुसेगा? गुजरात जीतने के लिए पाकिस्तान पंजाब साइड का एरिया तो तेरे को लेना पड़ेगा। ये उसको रियलाइज हुआ कि मुझे गुजरात के पहले अपना फोकस रखना पड़ेगा, वो है कहां पे? पंजाब में। पंजाब पाकिस्तान में भी आता है, इंडिया में भी आता है। यहां से मैं डायरेक्ट इधर नहीं घुस सकता, मुझे ये एरिया लेने पड़ेंगे, ये एरिया से मैं इधर घुसूंगा, ये उसने सोचा। अब देखो क्या करता है। अकॉर्डिंगली लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट द गजनवीड पोजीशन इन पंजाब। पंजाब में गजनवीड लोग रहते थे। बाय 1190 मुइजुद्दीन मोहम्मद हैड कॉन्क्वर्ड द पेशावर, लाहौर, साइलकोट, ये सब जीता एंड वाज पॉइज्ड फॉर द थ्रस्ट टुवर्ड्स दिल्ली एंड गंगेतिक दोआब। वहां पे निकलने वाला था ये रीजन जीत के। मीनवाइल इवेंट्स हैड नॉट स्टैंडिंग स्टिल इन द नॉर्थ। चौहान पावर हैड स्टेडीली ग्रोइंग। चौहान लोग बहुत बढ़ रहे थे दिल्ली में, इसको दिल्ली तक चढ़ाई करनी थी। ये निकला था, ये एक एक करके जीत रहा था, मुल्तान उल्तान सब जीत लिया। अब उसको चढ़ाई करनी थी दिल्ली की तरफ, पर उसको पता चला दिल्ली में एक पावर बैठी है जिसका नाम है चौहान लोग, मुझे चौहान को हराना होगा। द चौहान रूलर्स हैड डिफीटेड एंड किल्ड लार्ज नंबर ऑफ टर्क्स। ये भी उसने सुना था, जिसने राजस्थान पे चढ़ाई करने की कोशिश की, जिस भी टर्क लोगों ने, उन सबको मजा चखाई है इन चौहान लोगों ने। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम पंजाब साइड जो आता था उसको यहाँ पे मारते थे, सभी कैप्चर करने आते थे दिल्ली, ये सब यहाँ पे पता चलता है। अब क्या होता है, मीनवाइल वाइल मोहम्मद मियाजुद्दीन मोहम्मद कॉल्ड मोहम्मद घोरी इन हिस्ट्री बुक्स, जिसमें इसका नाम है मोहम्मद घोरी, वॉज ओवर रनिंग मुल्तान, मुल्तान पे आता है एंड अ यंग लैड ब्रेवरी 14 ओल्ड असेंडेड द थ्रोन एट अजमेर। और उस वक्त एक 14 के बच्चे अजमेर के थ्रोन पे आके बैठा था, 14 का एक लड़का, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। मैंने बताया पृथ्वीराज चौहान 26 तक तो जिंदा रहे, 14 के थे तो अजमेर मिला, अजय मेरू बनाया था वहां से इनको पृथ्वीराज चौहान, अजमेर तो मिला। अजमेर मिलने के बाद दिल्ली पे पहुंचे थे चौहान लोग, तोमर लोगों को हरा के। 14 का एक लड़का उतने में आके बैठा था दिल्ली के थ्रोन पे। ही वॉज पृथ्वीराज Who has been subject of many legends and stories, जिसमें बहुत कहानी है, बहुत लेजेंड का एक यंग रूलर जो होता है उसका करियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट की बात करो या कुछ भी कहो या उसके इन्वेजन देखो, चंदेला रूलर को उसने हराया, बैटल्स जीते बहुत सारे। इट वॉज इन दिस बैटल वॉज द फेमस ब्रदर अलायन उडल डाइड फाइटिंग टू सेव महोबा। और पृथ्वीराज चौहान ने उडल और एक रूल चंदेला लोगों के कुछ उडल करके थे वो भी यहाँ पे मारे गए। However, Prithviraj did not try to annex the day, country. पूरे कंट्री के ऊपर उसने रूल करने की कोशिश नहीं की। The next invaded Gujarat, but Gujarat ruler Bhima II, who had earlier defeated Muizuddin Mohammad, defeated Prithviraj also.
पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात भी जीतने की कोशिश की थी, तब गुजरात पर रूल करता था भीमा सेकंड, भीमा सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में गुजरात नहीं लगा, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में अजमेर से लेकर दिल्ली तक का एरिया था, पृथ्वीराज चौहान गुजरात साइड में घुस नहीं पाए क्योंकि भीमा सेकंड नाम का जो रूलर था बहुत स्ट्रांग था। अब सोचा मोहम्मद घोरी ने कि इस लड़के का क्या किया जाए, पृथ्वीराज चौहान नाम का लड़का 14 साल का तो था जब रूल पे बैठा था। अ बैटल बिटवीन दीज टू एम्बिजियस रूलर्स मुइजुद्दीन मोहम्मद एंड पृथ्वीराज वॉज इनएविटेबल। द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद रॉयल ऑफ तबरिंडा, जिसको भटिंडा कहते हैं, आपको बताता हूं, बहुत कहानी मस्त है। इन द बैटल विच वॉज फॉट एट तराई इन 1191 द घूरी फोर्सेस वर कंप्लीटली रूटेड द मुइजुद्दीन मोहम्मद लाइफ एंड सेव्ड बाई यंग खिलजी हॉर्समैन। पृथ्वीराज नाउ पुश्ड ऑन टू भटिंडा एंड कॉन्कर्ड इट फॉर सीज ऑफ 12 मंथ्स। अब ये देखो, ये कहानी बहुत अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें पता चलता है, और इसमें ये जो कहानी है, ये कहानी आपके किताब में बहुत अच्छे से लिखी है, इसलिए आपके ही किताब से ये कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी है पहले बैटल ऑफ तराई की, जो पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था 1191 में, जिसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और हार हुई थी मोहम्मद घोरी की। जब मोहम्मद घोरी को लगा कि मैं दिल्ली की तरफ चढ़ाई करूंगा, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है भटिंडा नाम में किला था, वहां से तबरहिंडा करके नाम है, जिसको आज हम भटिंडा कहते हैं। घूरी फोर्सेस जो होती है वो मुइजुद्दीन की लाइफ यहाँ पे बचाने के लिए आती है, और पृथ्वीराज नाउ पुश्ड ऑन टू भटिंडा एंड कॉन्कर्ड इट फॉर आफ्टर सीज ऑफ 12 मंथ्स। लिटिल अटेम्प्ट वाज मेड बाय पृथ्वीराज टू हाउस द घूरीज फ्रॉम पंजाब, परहैप्स ही फेल्ड दैट वाज अनदर रिकरेंट टर्किश रेड्स एंड घूरीड रूलर वुड बी कंटेंट टू रूल ओवर द पंजाब। दिस गेव मुइजुद्दीन मोहम्मद टाइम टू रिग्रुप हिज फोर्सेस एंड मेक अनदर बिड फॉर इंडिया फॉलोइंग द ईयर। Rejected the proposal said to be made by Prithviraj to leave him in the possession of Punjab. अब सबसे पहले यहाँ पे एक लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ तराई। इसमें घूरी के जो फोर्सेस थे इसको हरा दिया गया, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद घूरी तो मारा जाने वाला था इस बैटल में, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया उसको, छोड़ना ही नहीं था, बहुत सारे लोगों का यही कहना था। वो कहते ना राजपूत लोग अपने उसूलों पे चलते हैं, राजपूत लोग एक बार का सिर कटा देंगे पर सिर नहीं झुकाएंगे किसी के सामने, राजपूत लोग अपने उसूलों पे चलने वाले लोग माने जाते हैं, यही उसूल काफी बार उनके लिए बहुत हानिकारक साबित हुए कि नहीं तू मेरे राज्य में आया है, आज तू मेरे लिए मेहमान है, आज मैं तेरे को मेहमान जैसा ट्रीट करूंगा। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी घुसा उस राजा के इसमें, सिर्फ उसने जब एक ख्वाहिश दिखाई कि मुझे तेरी रानी को देखना है पद्मावती, तब उसको अच्छा नहीं लगा, अदरवाइज ट्रीटमेंट क्या थी, एक मेहमान वाली ट्रीटमेंट थी, नहीं तो आज के आज तेरा सिर काट दिया रहता उन्हें, पर तू मेरा मेहमान बन गया इसलिए तू अभी जा सकता है, ये उसूल है। तब भी के तभी साफ करना पड़ता है, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया घोरी को, घोरी वापिस आया, घोरी जब वापिस आया द सेकेंड बैटल ऑफ तराई 1190 इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मुइजुद्दीन मोहम्मद हैड मेड केयरफुल प्रिपरेशन फॉर कंटेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि इस बार वो जब इंडिया में घुसा था ना मोहम्मद घोरी, तो अपने साथ 120,000 लोग लेके आया था, सेना 120,000 लोगों की सेना, जिसमें आपको बताता हूँ सबके पास स्टील के कोट्स पहने हुए थे सबने, अब मार कैसे मारता तो सबको पहनाए थे और आर्मर थे सबके पास, और ऐसा कहा जाता है कि उसके पास 10,000 तो सिर्फ आर्चर थे जो तीर मारते थे मोहम्मद घोरी के पास, इतनी सेना लेके आया था वो। ये हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट टू थिंक पृथ्वीराज वॉज नेग्लिजेंट, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वीराज नेग्लिजेंट था, एंड अवोक टू द सिचुएशन इट वॉज टू लेट, और उसको नींद तब खुली पृथ्वीराज चौहान की जब सब बहुत टाइम हो चुका था, ऐसा कहना भी गलत है क्योंकि इट वॉज ट्रू दैट एट द टाइम स्कंद द रूलर ऑफ लास्ट विक्टोरियस कैंपेन वॉज एंगेज एल्सवेयर। एज सुन एज पृथ्वीराज रियलाइज द नेचर ऑफ घोरी थ्रेट ही अपील टू ऑल राजाज ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर हेल्प, और जैसे उसको पता चला कि घोरी घुस रहा है इंडिया में फिर से और घोरी के पास बहुत बड़ी सेना, उसने तुरंत सभी राजपूत लोगों को कॉन्टेक्ट किया कि हमारे राजपूत, आप राजपूत, हम सब राजपूत है, हमको एक होना पड़ेगा नहीं तो घोरी यहाँ पे अपना रूल बनाएगा, हम राजपूतों को खत्म कर देगा। पृथ्वीराज चौहान ने हर राजपूत को इकट्ठा करने की कोशिश की। वी आर टोल्ड मेनी राजा सेंट कॉन्टिजेंट्स टू हेल्प हिम। बहुत लोगों ने बोला ठीक है पृथ्वीराज चौहान हम आपके साथ हैं, हम भी राजपूत आप भी राजपूत, एक राजपूत ऐसा निकला जिसने नहीं बोला, और वो था
जयचंद गढ़वाल, जयचंद राठौड़ जिसकी दुश्मनी थी। कहानियों में ऐसा कहा जाता है द लेजेंड दैट दिस वाज बिकॉज पृथ्वीराज वाज एबडक्टेड जयचंद डॉटर, जयचंद के डॉटर को भगाया था इसने, उसके लड़की को जिसका नाम सहयोगिता था, हु वॉज इन लव विथ हिम। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू बाय मेनी, इसमें बहुत सारे लोग ये सही नहीं मानते, बट ऐसा कहा जाता है कि जयचंद जो इसका ससुर था पृथ्वीराज चौहान का, वो ही नहीं आया। उसने बोला मैं तेरे साथ नहीं आता, जा तेरे को मरना है मर, जो करना कर, घोरी की सेना को तू देखते, बट मैं बीच में घुसने वाला नहीं हूं। तूने मेरे बेटी को भगाया, तब से तू मेरे लिए खत्म हो चुका है, मेरी बेटी भी मेरे लिए मर चुकी है और तू भी मेरे लिए मर चुका है, ऐसा कहानियां कहती है। बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। ये हो गया। देयर हैड बीन ओल्ड आउटस्टैंडिंग राइवलरी बिटवीन द टू स्टेट, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि पहले से ही चौहान लोगों के बीच में और राठौड़ लोगों या गढ़वाल लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसलिए वो दोनों, इसलिए गढ़वाल ने बोला कि मैं दूर रहूंगा, ऐसे कुछ इतिहासकार कहते हैं। पृथ्वीराज, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने जो फील्डिंग लगाई थी, पृथ्वीराज इज सेड टू हैव फील्डेड अ फोर्स ऑफ 3 लाख इंक्लूडिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ कैवलरी, जिसमें 300 हाथी थे। पृथ्वीराज चौहान ने गजनी है घोरी को मारने के लिए 3 लाख लोगों की फोर्स बनाई थी, 3 लाख, जिसमें 300 तो हाथी ही थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑन बोथ साइड में भी एग्जैगरेटेड, या वही है कि बहुत ज्यादा दोनों जगह दिखाई जा रही, इतनी नहीं भी होगी, इमेजिन नहीं हो सकता 3-3 लाख लोग लड़ रहे, 1.5-1.5 लाख लोग लड़ रहे, बहुत हो गए ना, इतने कहाँ खड़े भी कहाँ रहेंगे, मैदान कितना लगेगा उनके लिए। बट जो भी आसपास के होंगे, द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फोर्सेज वाज प्रोबेबली ग्रेटर, क्योंकि इंडिया के ही थे तो ज्यादा तो होंगी फोर्स। द बैटल वॉज मेनली अ बैटल बिटवीन कैवलरी, मेनली लड़ाइयाँ घोड़ों के बीच में थी, और जो स्किल्स दिखाई थी वो बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स यहाँ पे देखने मिल रही थी दोनों साइड से। पृथ्वीराज एस्केप्ड बट वॉज कैप्चर्ड नियर सरस्वती, लड़ाई चली चली, और ये लड़ाई जो होती है इसमें कौन सुपीरियर दिख रहे थे, टर्किश, क्योंकि इनके घोड़े बहुत फास्ट थे, हमारे इंडिया के घोड़े इनके घोड़ों के सामने थोड़े स्लो दिख रहे थे, टर्क के घोड़े अरब के घोड़े बहुत स्ट्रांग और फास्ट होते, ये दिखने लगा, और जब ये दिखने लगा तो पृथ्वीराज चौहान के तरफ से अब लड़ाई नहीं जीतने वाले हैं, ये दिख रहा था, पृथ्वीराज चौहान तुरंत एस्केप कर गए, पृथ्वीराज चौहान वहां से निकल गए। जब निकले तो उनको सरस्वती के पास पकड़ लिया गया, नदी, सरस्वती नदी के पास। द टर्किश आर्मी कैप्चर द फोर्ट्रेस ऑफ हंसी, सरस्वती समान करके जो जगह हर जगह के कैप्चर कर दिए थे, अटैक्ट एंड कैप्चर्ड अजमेर, और उन्हें अजमेर को भी पकड़ के उसको भी कैप्चर कर लिया। पृथ्वीराज को बोला, देखो कहीं कहीं पे ये इतिहास एकदम टर्न लेता है, पृथ्वीराज को मोहम्मद घोरी ने पकड़ा और बोला कि आप अजमेर पे रूल करो, ये थोड़ा कठिनाई है समझने में, अब यहां से इतिहास समझता नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इतिहास है। घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को ऐसा बोला क्योंकि तू अजमेर पे रूल करो, जबकि दोनों तो दुश्मन थे। घोरी हाया हराया और पृथ्वीराज चौहान को बोला कि आप अजमेर पे रूल करो, क्यों ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि हमको अजमेर से कुछ कॉइन मिले। पहले ये नहीं लगता था, पहले इतना पता था कि बैटल ऑफ तराई हुई, उसमें पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया, मार दिया और ये रूल करने लग गया, बट कुछ कॉइन मिले, उस कॉइन जो हमने जमीन में से खोद के निकाले, उस कॉइन के एक साइड में पृथ्वीराज चौहान की इमेज बनी है और पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा है, और दूसरे साइड में इसके बारे में लिखा है। ऐसा कैसा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी एक ही कॉइन पे कैसे आ गए, कौन रूल कर रहा था, कैसा पता चलेगा। इसलिए इतिहासकार ये कहते, और क्या लिखा है पता है, पृथ्वीराज देव एक साइड में लिखा है और दूसरी साइड में लिखा है श्री मोहम्मद साम, इसका नाम श्री। सोचो, यानी कनेक्शंस देखो, पृथ्वीराज चौहान और ये क्या दोस्त बन चुके थे कि क्या हुआ था ये समझिए ना, दोनों मिलके कॉइन कैसे बना रहे, ये कंफ्यूज कर दिया इतिहास ने हमें। सून आफ्टर पृथ्वीराज वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरसी, ऐसा कहा जाता है, उसके बाद इसको भनक लगी कि पृथ्वीराज चौहान साजिश कर रहे मेरे खिलाफ, इसने उन पे भरोसा किया ऐसा कहा जाता है, और उनको बोला कि अजमेर आप संभालो, बाकी एरिया मैं देखता, मेरे को भी आप जैसा एक स्ट्रांग रूलर होना,
संभाल रहे थे, पृथ्वीराज चौहान ने साजिश की और साजिश के चलते इसने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा और सला के लेके दो आंख में डाल दी, लो अब आप देख नहीं पाओगे कुछ, और बाद में लेके गया अपने जगह और वहां पे बंदी बना के रखा था। दोनों आंखें खत्म थे पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान की एज ही क्या थी, मैंने आपको 26 साल तो एज थी, बहुत ज्यादा एज में थोड़ी डेथ हुई पृथ्वीराज चौहान तो। और फिर पृथ्वीराज चौहान को उनके बेटा जो है उन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया। दिल्ली वॉज ऑल्सो रिस्टोर्ड टू इट्स रूलर बट दिस पॉलिसी वॉज रिवर्स सून आफ्टर। द तोमर रूलर ऑफ दिल्ली वॉज आउस्टेड एंड दिल्ली वॉज मेड अ बेस टू फर्दर टर्किश एडवांस। पृथ्वीराज के जो बेटे थे वो रणथंबोर की तरफ मूव कर गए और उन्होंने रणथंबोर में जाके चौहान किंगडम बनाया। दिल्ली एरिया ईस्टर्न राजस्थान जो होता है टर्किश रूल में चले गया और इस तरह से ये लोग के हाथ में दिल्ली लग गया, पृथ्वीराज चौहान खत्म और दिल्ली इनके हाथ में। मोहम्मद घोरी ने बोला बहुत अच्छी बात थी जयचंद गढ़वाल दूर रहे, हमको इस बात का बहुत अफसोस है कि आप इस वॉर में नहीं आए, आ जाते तो अगला वॉर लड़ना नहीं पड़ा रहता, वहीं पे पूरे निकाल रिजल्ट लगा डाले रहते ना। क्या बोले एक पृथ्वीराज चौहान के साथ वॉर लड़ो दिल्ली जीतो, फिर जयचंद गढ़वाल के साथ लड़ो उसका एरिया जीतो। मोहम्मद घोरी रुका नहीं, 1191 के बाद ऐसा कहते उसको नींद नहीं आती थी रात रात भर, 1191 के बाद वहां पे गया, लोगों से बात नहीं की थी कितने दो भी महीने उसने एक रूम में बंद कर गया था और वहीं पे स्ट्रेटेजी बनाता था कि मेरे को कैसे जीतना है। बहुत इंसल्ट लगा था उसको पहली लड़ाई जब हारा था ना पृथ्वीराज चौहान के हाथ से, क्योंकि डर था उसका उसके एरिया में और ऐसे लोग बोले कि तेरे से तो फिर डेंजर पृथ्वीराज चौहान दिख रहे, इसलिए उसने स्ट्रेटेजी बना के पूरी आर्मी बना के आया था वापस। और ऐसा बोलते हैं ना हार गए तो हार गए चलता, बट अगला ऐसा अटेम्प्ट करो कि पूरी दुनिया को पता चले आप कौन हो। बोलते हैं पहली बार आप फेल हो गए चलता, ये अगर आपको साबित करना है ना आप स्ट्रांग हो तो आपका जो फेलियर होता है उसके आगे कुछ करके दिखाओ, है ना। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है ना कि कभी भी अपने पहले सक्सेस के बाद रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर दूसरी बार दूसरे पहले बार आप निकल गए दूसरी बार आप नहीं निकल पा रहे तो लोग बोलेंगे योर फर्स्ट सक्सेस वॉज जस्ट अ लक लक, या फिर जो उन्होंने कुछ तो भी कोट कहा इट वॉज अ लक, लकीली निकल गए थे, अब नहीं निकल सकते आप कभी, ये गलत प्रूव करना पड़ता है, ऐसे लोगों ने करके दिखाया। क्या हुआ एक बार प्री फेल हुआ, मेंस फेल हुआ, इंटरव्यू फेल हुआ, अगले बार मैं इंटरव्यू पूरा साफ करके रैंक लेके आऊंगा। जब वो घोरी ने करके दिखाया तो हम तो कर ही सकते, ये एस्केप कर कितने साल में, एक साल में पृथ्वीराज चौहान को हरा के गया वो, सोचो। फिर से आया बोले अब तो बस जीत लगी रहेगी, फिर से आया बोले ससुर जी कहाँ हैं इनके, लाओ इनको जयचंद गढ़वाल को। जयचंद गढ़वाल के अगेंस्ट बैटल ऑफ चंदावर जीता और जीतने के बाद वो भी एरिया इसके अंडर आया। आखिरकार 1206 की बात है, वो एक बार एक क्रॉस कर रहा था एक जगह, वहां पे उसको कुछ शिया रिबेल्स ने, ये सुन्नी वाला था, शिया रिबेल्स ने इसको मार दिया, शिया लोगों के हाथों ये मारा गया जो मोहम्मद घोरी था, वो मोहम्मद घोरी का अंत हुआ। मोहम्मद घोरी इंडिया पे रूल नहीं करना चाहता था, मोहम्मद घोरी ये लोगों के पास अपने गुलाम रहते थे। मोहम्मद घोरी आया, मोहम्मद घोरी ने कुछ नहीं किया, मोहम्मद घोरी आता था लूटता था जाता था, पर अब दिल्ली का रूलर मारा गया ना तो दिल्ली कौन संभालेगा, उसको तो अपनी जगह संभालनी। दिल्ली संभालने के लिए अपना एक गुलाम छोड़ा था उसने, गुलाम, ये लोग गुलाम रखते थे साथ में, मोहम्मद घोरी का फेवरेट गुलाम आपको पता होगा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी भी आप पढ़ोगे आगे तो आपको अलाउद्दीन खिलजी का फेवरेट गुलाम पता चलेगा, उसका नाम है, बताओ सबको पता होगा मूवी तो एक भी, मैं पद्मावत तो बहुत मैक्सिमम लोगों ने देखी, बताओ ऑनलाइन वाले भी बता सकते। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, फेवरेट गुलाम, फेवरेट स्लेव, मलिक कपूर, मलिक कपूर, ही वॉज गे, इतिहास में लिखा ही है कि वो गे था। वो पृथ्वीराज इससे
अपना अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, इतना प्यार कि वो जान भी दे सकता था पृथ्वी उसके लिए, किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, इतना प्यार करता था, सबसे भरोसेमंद गुलाम था उसका, इनके पास ऐसे भरोसेमंद गुलाम रहते थे। और मोहम्मद घोरी का सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोले देख मैं जीत चुका हूं दिल्ली, दिल्ली आज से तू संभालेगा, मैं जा रहा हूं, दिल्ली संभालने लग गया, बट किसके अंडर, घोरी के अंडर। और जैसे घोरी मारा गया 1206 में, ऐबक ने बोला आप क्या, ऐबक ने बोला आज से मैं डिक्लेयर करता हूं अपने आप को कि दिल्ली का इकलौता सुल्तान मैं हूं, और वहां से शुरू होगा दिल्ली सल्तनत 1206 से। पहला सुल्तान दिल्ली का जो आया वो 1206 में है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा मत समझे कुतुबुद्दीन ऐबक पहले दिल्ली में नहीं था, था बट सुल्तान नहीं था, क्योंकि इन सब का हेड था घोरी, महमूद मोहम्मद घोरी। आज 1206 में जब मोहम्मद घोरी मारा गया तो दिल्ली का सुल्तान बना कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था ये घोरी का स्लेव, घोरी का गुलाम, और यहां से गुलाम वंश शुरू होता है जिसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। यहां से आपका दिल्ली सल्तनत शुरू होगा, सल्तनत इसलिए क्योंकि सुल्तान आ गया दिल्ली में, और तब तक सुल्तान रहेगा जब तक मुगल नहीं आते। दिल्ली सल्तनत काफी इंटरेस्टिंग, लोग आके गए इसमें, सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, रजिया सुल्ताना जो कि लड़का बन के रूल करती थी, इकलौती लड़की महिला रूलर कहां की, दिल्ली की, है ना। तो हम कहेंगे कि शी वॉज फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली। फिर गियासुद्दीन बलबन, कायकुबाद, और फिर खिलजी। खिलजी में हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उसको मार दिया और खुद रूलर बना, भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था, दामाद भी था, सगा चाचा था, बट चाचा की लड़की से शादी की थी अलाउद्दीन खिलजी, तो ससुर भी थे उसके और चाचा भी थे, सगे चाचा और सगे ससुर दोनों थे, बट दोनों को एक किस्मत मार दी, मार डाला, चलो बोले ससुर जी और चाचा जी अब आपका टाइम खत्म होता है, अब रूलर बनूंगा मैं। इसके वाइफ को बुरा भी लगा था क्योंकि उसके पापा को मारा था, बोले तेरा पापा था मेरा भी चाचा ही था, बोले जान देना क्या, मैं भी बचपन से देख रहा तू भी देख रही क्या, जान दे तू मेरी रानी, वैसे उसको फर्क नहीं पड़ता था ज्यादा, उसका एम एक ही था कि भैया रूल करना है दिल्ली पे, और ऐसा रूल किया बता रहा हूं आपको, उसकी जीत तो छोड़ ही दो, बताता हूं मालवा चित्तौड़ धार मांडू उज्जैन मारवाड़ चंदेरी जालोर, बोले हो गया क्या, नहीं, बोले नहीं हुआ, अभी साउथ जाएंगे, साउथ में पहुंचा, प्रताप रुद्र को हराया, काकटिया वरंगल रामचंद्र देव यादव किंग देवगिरी वीर बल्लार होयसाला किंग खत्म वीर पांड्या खत्म पांड्या रूलर मदुराई वदराय सब खत्म कर दिया उसने, एक भी जगह नहीं छोड़ी थी, ऐसे अटैक करता था, बाकी तो वो तो छोड़ ही दो आप, जो बाकी थे ना वो छोटे मोटे रूलर्स में थे उसके लिए, जो पद्मावत में दिखाया ना उसके लिए छोटे रूलर्स, ये बड़े बड़े को मार के आ गया तू, और कौन किसको भेजा था, मलिक कपूर को, मलिक कपूर पूरा साउथ जीत के आ गया, ऐसा लगता उसमें देख के मलिक कपूर कुछ नहीं, मलिक कपूर बहुत बड़ा कमांडर था, बहुत स्ट्रांग, और अलाउद्दीन खिलजी का सिर्फ उतने ही काम नहीं थे कि लड़कियां से घिरा हुआ है खाना खाए जा रहा, जैसे उसमें इतना बड़ा रूल चलाया, कैसे रूल चला रहा है, यानी दिमाग वाला तो होगा ही ना, बहुत सोचता था वो, एक पार्ट दिखा दिया उसका कि ऐसा था वो, वैसा कुछ नहीं है। और आपको बताता हूँ पहला सुल्तान था जिसने साउथ को अटैक किया, उसने वहां पे रामेश्वरम में एक मस्जिद भी बनाया, जो आज भी उससे पता चलता है कि रामेश्वरम तब जाके आए ये अब्दुल कलाम जो है ना, उनका बर्थ प्लेस है रामेश्वरम, वहां जो मस्जिद है ना वो इसने ही बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, कम नहीं है वो, उसकी पॉलिसीज देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, यूज ऑफ वाइन वाइन बंद कर डाला था उसने, दारू बंदी बोले इधर नहीं चलती, सीधा उसमें दिखाया उसको नशे नशे वाला इंसान, वैसा नहीं था वो, उसने बोला दरबार में दारू पीना नहीं, इधर काम करने आए हो कि पीने आए हो, एंजॉय करते हो, चलो बोले बंद आज से कुछ नहीं चलेगा, सब बंद कर, सोशल पार्टी वार्टी सब बंद, स्ट्रिक्ट रूलर था वो बहुत, आपको बता तो अलाई दरवाजा बनाया, हजार सुतून बनाया, बहुत कुछ बनाया, अमीर खुसरो इसके वक्त था, अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे, उसके बाद तुगलक देखेंगे, तुगलक, तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, किसी ने अगर आपको मोहम्मद बिन तुगलक बोला तो बुरा मानिएगा, वो एक गाली बन चुकी है, इसने जो काम किए बहुत कॉमेडी है,
बहुत बदनाम हो गया तुगलक डायनेस्टी को बदनाम करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक, जहां हाथ डाला वहां पे हारा। और हर आपको बता दो क्या क्या नहीं किया, एक जगह तो टैक्स लगा डाला लोग भाग गए, टैक्स बढ़ा लोग भाग गए, प्रोडक्शन बंद हो गया, फिर टैक्स कम किया, आ जाओ बोले वापिस। डीमोनिटाइजेशन भी किया था भाई साहब ने, बहुत कुछ करके देखे उन्होंने। और इनका जो भाई है वो ठीक करने में लगा रहा, फिरोज शाह तुगलक, इसका भी इतिहास बहुत बढ़िया है। इतना ही नहीं तो सैयद और लोधी डायनेस्टी, सैयद में आते हैं पूरे, लोधी में आते हैं बहलुल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर, इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर नाम के एक रूलर ने बैटल ऑफ पानीपत में मार दिया, इब्राहिम लोधी साफ। बाबर भी खतरनाक, बाबर का यानी बाबर का अलग खौफ था, बाबर के पास तोप थे, बारूद, उसका यूज करके मारता था अगले वाले को, ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। और फिर यहाँ से शुरू होगा मुगल्स, है ना, मुगल। ये जो दिख रहा है अलई दरवाजा, कुतुब मीनार है, ये स्लेव डायनेस्टी वालों के वक्त बनाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया इसलिए कुतुब मीनार ऐसा नहीं है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम का एक सूफी सेंट है, उसके नाम, उनके नाम पे बनाया गया था, इसलिए कुतुब मीनार का। ये जो दिख रहा है बाहर अलई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, खिलजी ने बहुत कुछ बनाया, खिलजी बहुत पसंद आता आपने को, आपको खिलजी के बारे में बताऊंगा। हाँ, बीमार था, फिर ऐसा कहा जाता है कि मलिक कपूर ने उसको जहर दे दिया आखिरी में, क्योंकि उसको देख के नहीं हो रहा था कि मेरा प्यार करने वाला जो व्यक्ति है, मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ, तड़प रहा है, उसने जहर दे दिया, और जहर देने के बाद वो मर गया, ऐसा कुछ कहते बीमारी से ही मर गया। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है दिल्ली सल्तनत वालों की, दिल्ली सल्तनत। और फिर हम मुगल में जाएंगे, हम कल बैटल ऑफ पानीपत भी पढ़ेंगे, और आगे हमें सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और ये सब पढ़ना है। तो काफ़ी बड़े बड़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे हम कहेंगे कि वेटेज वाले टॉपिक है जो आगे हमें पढ़ने हैं। कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा। हाँ, वो आगे मराठा के साथ लड़ते थे पिंडारी, वो अपने को पढ़ने मिलेंगे इसमें एंग्लो मराठा वॉर के, पिंडारी। बताना कैसा, कौन सा रूलर सबसे अच्छा लगेगा आपको, आप भी अपने विचार बताना जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। और फिर पद्मावत देखना, फिर आपको लगेगा यार ये तो ज्यादा हो रहा है, इतना भी बुरा नहीं था वो। क्या नाम रहता है राजा का, शाहिद कपूर ने जिसका रोल किया,